मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तुम्हें जो पकड़वाएगा उसे हम इनाम देंगे, इसीलिए हमने ही सारे शहर में तुम्हारे पोस्टर्स लगवाए और अब मैं ही तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर ड्रिंक पी रहा हूँ। मैंने कितने मर्डर किए, चोरी की, डकैती की, बलात्कार सब किया, मुझ पर सिर्फ 1,00,000 रुपए का इनाम अनाउंस करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कम से कम 2,00,00,000 रुपए का इनाम अनाउंस करना चाहिए था ना। एक गुंडे को मारने के बजाय तुमने एक ऐसे आदमी को मार दिया जिसका इस काम से कोई लेना देना नहीं था। जिसने तुम्हें सुपारी दी उसी मंत्री ने हमें तुम्हारे पोस्टर्स लगाने को कहा, क्योंकि अपोजिशन पार्टी वाले, मीडिया वाले इस बात को लेकर काफी हंगामा खड़ा कर रहे हैं। देखो, कुछ दिन तुम इन लोगों की निगाहों से बचकर रहो। 1,00,000 रुपए के लालच में किसी ने तुम्हें पकड़वा दिया तो क्या करोगे? फिर तुम्हारे साथ हमारी भी बैंड बजेगी। हमारे भाई को पकड़ने के लिए जिगर चाहिए, कौन लेगा हमसे टक्कर? कौन है वो? क्या चीज है रे तू? मैं क्या चीज हूँ ये पूरा शहर जानता है। तू मुझे नहीं जानता मतलब तू जरूर कोई फटीचर गुंडा होगा। हाथ में तलवार लेके मासूम निहत्थे लोगों पर वार करने वाले तुम जैसे नामर्दों का बैंड बजाना अपन का काम है। Ah!
अब पता चला कौन हो? ये पूरे 1,00,000 रुपए हैं। आपके बेटे के हत्यारे को पुलिस के हवाले कर दिया, उसी का इनाम है ये। आपके बेटे को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो जिम्मेदारी आपका बेटा उठाता था वो जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगा। मुझे भी अपना बेटा समझिए। हम सब माओं के बेटे तुम ही हो बेटा। तू हमारे बुढ़ापे का सहारा हो बेटा। ये सब लक्ष्मी के संस्कारों का चमत्कार है मेरा बेटा। Boss, your boss. बंदर आ रहा है, तुम थोड़ी देर सेफ्टी लॉकर में ही रहो। सुबह सुबह शुरू हो गई प्रेम लीला। ओ मैडम, बॉस के आने का वक्त हो गया है। क्या रे, मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मुझे खा जाएगा? तुम कोई रसगुल्ला या गुलाब जामुन हो के खाऊंगा? तुझे ऑफिस की सफाई करते देखकर मेरा दिल मत चलने लगता है मेरी जान। लाइन मार रहा है। मेरे पास ऐसा क्या है रे? तू किसी अप्सरा से कम है क्या? बहुत कुछ है तेरे अंदर, उसे मैं अपना नाम लेकर बाहर लाऊंगा। मुझे तेरी कसम। अब बॉस के आने का वक्त हो गया है, बाद में समझाऊंगा क्या करना है। क्या मस्त दिखती है सोनिया। तुमने राम को खबर कर दी क्या? नहीं सर, ये बात सर को बताने की मुझ में हिम्मत नहीं है। प्लीज आप ही बता दीजिए ना। सर आ गए, आप बता दीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर, 10 बजे रेनबो कंपनी से अर्जेंट मीटिंग है, 12 बजे ऑडिटर साहब आ रहे हैं, 4 बजे मंत्री जी आ रहे हैं और 6 बजे टेंडर के सिलसिले में बात करने हमारे मेहता इंडस्ट्रीज के मालिक शर्मा जी आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग राम। गुड मॉर्निंग अंकल, मीटिंग की तैयारी हो गई? क्या हुआ अंकल, व्हाट हैपेंड? सॉरी राम, तुम्हें कैसे बताऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुमसे टाई अप नहीं कर सकते ऐसा बोलकर सब लोगों ने हमें मना कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? 2,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है अंकल, इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए कितनी परेशानी उठाकर माथुर जी के जरिए कितने लोगों को रिश्वत खिलाकर मनाया उन्हें। फर्स्ट टाइम सिंगापुर मलेशिया हांगकांग कंस्ट्रक्शन कंपनी से टाई अप करने के लिए क्या नहीं किया मैंने। और स्ट्रॉन्ग अंकल, उनका मंचा रिकमेंडेशन उन्हें नहीं दिया या उनका ठीक तरह से ख्याल नहीं रखा? ख्याल तो ठीक तरह से रखा था, लेकिन उन्होंने ये देख लिया। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कब तक बेइज्जती सहनी पड़ेगी? इसकी जिम्मेदार तुम हो, आज कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। भैया गलती हो गई भैया, माफ कर दो। मुंह बंद कर अपना नालायक, 2,000 करोड़ का प्रोजेक्ट तुम्हारे कारण हाथ से निकल गया, ऊपर से बेइज्जती हुई 16,00,000। तू देखो इसमें से कोई भी जगह चुन लो, मैं तुम्हें वहां भिजवा दूंगा। 5,00,000 रुपए दिन का दूंगा तुम्हें, लेकिन मुझे यहां पर दिखाई मत देना। ऐसा मत कहिए भैया, मैं बिजनेस में हमेशा ऊपर रहना चाहता हूं। कोई भी मेरे रास्ते में आए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर चाहे तू ही क्यों ना हो। ये सब क्या है बेटा? मैंने कितनी बार तुझसे कहा तेरे भाई को परेशानी हो, ऐसा कोई काम मत करना। ये सब अनजाने में हो गया माँ, भैया से बोलना कि मुझे माफ कर दे। ठीक है रुक जा। राम, राम, आओ बेटी। माँ जी, सर गुस्सा होकर घर चले गए, इसकी वजह से सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए। ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की फाइल है, सर का साइन चाहिए। अब उसके पास जाना ठीक नहीं, भगवान करे किसी माँ पर ऐसी परिस्थिति ना आए। एक ही कोख से एक साथ पैदा हुए जुड़वा बच्चे,
इस तरह अलग अलग कैसे पले बड़े? वो भगवान का दिया सब कुछ था हमारे पास, मगर शादी के 10 साल बाद भी हमें बच्चा नहीं हुआ। मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना करती रही। शायद भगवान को मुझ पर तरस आ गया। मुझे 2 जुड़वा बच्चे हुए और साथ में बड़ी समस्याएं भी। छोटा बिल्कुल स्वस्थ था मगर बड़ा कमजोर था। 1 महीना जिंदा रहा तो बड़ा बेटा बच सकता है, ऐसा डॉक्टरों ने कहा। दोनों को पिला सकूं इतना दूध मेरे आंचल में नहीं था। डॉक्टर के कहने के मुताबिक मैंने सिर्फ बड़े बेटे को अपना दूध पिलाया। इसी दौरान हमारे घर की नौकरानी लक्ष्मी को भी लड़का हुआ और मैंने उसे 1 दिन देखा कि वो अपना दूध बेकार में बहा रही है। मैंने उसे विनती की कि वो अपना दूध मेरे बेटे को पिलाए। मेरे पति को हमेशा हर चीज में सिर्फ स्टेटस ही नजर आता था। ये बात मैंने अपने पति से छुपाई। मेरा बेटा लक्ष्मी का दूध पीकर ही पल रहा था। फिर 1 दिन छोटे को दूध पिलाते वक्त उन्होंने लक्ष्मी को देख लिया। मेरे पति ने जैसा सोचा था दोनों बच्चों का चरित्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग हुआ। बड़ा बेटा थोड़ा शांति से समझदारी से पेश आता था और छोटा बेटा हिम्मत से गुस्से से पेश आता था। बड़ा अपने पिता की तरह हर बात में डिसिप्लिन था और छोटा थोड़ा लापरवाह था। छोटा अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता है लेकिन बड़ा अपने पिता की तरह छोटे को हमेशा धुतकारता है। वैसे पढ़ने में दोनों ही होशियार थे लेकिन बड़ा चेस में, टेबल टेनिस में और छोटा रनिंग रेस, कबड्डी, फुटबॉल में माहिर था। बड़ा बेटा अमीरों के बच्चों के साथ ही घुल मिलता था और छोटा स्लम वालों के बच्चों के साथ खेला करता था। बचपन से लक्ष्मी का ही बेटा छोटे का बेस्ट फ्रेंड रहा है। ए, तुम अपना बिहेवियर बदलोगे या नहीं, वरना मैं तुझे हॉस्टल भेज दूंगा, मैंने फैसला कर लिया है। आप भी ना हमेशा इसका दिल दुखाने वाली बातें करते हैं। माँ, बाबा जैसा चाहते हैं मैं वैसा नहीं रह सकता। माँ, जिस तरह भैया डोसा खा रहे हैं वैसा मैं स्पून या फोक से नहीं खा सकता। माँ, सुबह से लेकर शाम तक काम करने के बाद भी उसे ऐसे करना चाहिए, उसे वैसे करना चाहिए बोलकर रूल्स के हिसाब से करेंगे तो उसे ना ही खुशी मिलेगी और ना ही मन तृप्त होगा। ये इडली को ऐसे खाने के बजाय इसमें चटनी सांबार डालकर फिर ऐसे मिलाकर, अरे इस तरह खाने का मतलब इसकी बात ही कुछ और है। ये देखिए लक्ष्मी माँ के घर का उपमा, मस्त तली हुई मछली, आहा क्या टेस्ट है। ये सब आप सच में मिस कर रहे हैं बाबा। ए, अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अगर अपनी माँ का दूध पिया होता तो तू कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं करता। जा यहाँ से, निकल जा घर से। माँ, अरे अरे राजा, माँ उठ बेटा। हे भगवान, पिताजी ने बिना सोचे गुस्से में बोल दिया। दिल छोटा मत कर बेटा, तू अंदर चल, चल। नहीं माँ, जहाँ रहने का दिल नहीं करता ऐसे घर में रहने के बजाय जहाँ रहने में मेरे दिल को खुशी मिलती मैं वहाँ रहूंगा। हमेशा तुम्हारे नजरों के सामने रहूंगा। माँ तुम भैया का ख्याल रखो, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। तुझे जितने भी पैसे चाहिए जो भी चाहिए लेकर जा, लेकिन ऐसे खाली हाथ मत जा। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, तुम्हारा प्यार ही बहुत है। अगर फिर भी कुछ देना चाहती हो तो 1 रुपए का कॉइन दे दो माँ। ये ले। अब जब भी तुम उससे मिलने आओगी ना माँ, मुझे सिर्फ 1 रुपए का कॉइन ही देना और कुछ नहीं। अब बस भी करो माँ। सोनिया कम हियर। देख बेटा, उसे समझाना मेरे बस की बात नहीं है और मैं तुझे भी दुखी नहीं देख सकती। तू जल्दी शादी कर ले, कम से कम वो तेरा ख्याल तो रखेगी। शादी की बात छोड़ो माँ, भैया को मना कर मुझे माफ करने के लिए कहो ना माँ। तुम्हारे और भैया के अलावा मेरा और कौन है माँ? भैया भले ही मुझसे नफरत करते रहें लेकिन मैं भैया से बहुत प्यार करता हूँ माँ। मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ ना हो इसका पूरा ख्याल रखूंगा। प्लीज माँ, भैया को मना लो ना माँ। पानी गर्म हो गया है, जाकर जल्दी नहा ले। माँ, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? अगर गलती से कभी ठंडे पानी को गर्म पानी समझकर बदन पर डालेगा तो जुखाम हो जाएगा तुझे। हाँ, अरे तो बहुत तीखा है, वो नहीं खा पाएगा। ले जाकर दूसरा बना कर ले आओ, जा जल्दी। माँ तुमसे कितनी बार कहा है
ये सब काम तुम मत किया करो। घर में नौकरों की कोई कमी है क्या? कुछ भी हो बेटा, बेटे का काम करने से माँ के दिल को सुकून मिलता है। ये ले बेटा। माँ तुम नहीं मानोगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, कहिए। सर, हम लोग लिटिल फ्लावर ब्लाइंड स्कूल से आए हैं। हमारे स्कूल का कंपाउंड बारिश की वजह से गिर गया है सर। तकरीबन 50 साल पुरानी थी वो दीवार। उसे फिर से दोबारा बनाने के लिए हम फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप हमारी सहायता कर देंगे सर, तो आपका बड़ा उपकार रहेगा। स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? यही कुछ 600 बच्चे सर। अच्छा बैठिए। थैंक यू सर। सर आपने 5 करोड़ लिखे हैं। अगर स्कूल का कंपाउंड बने हुए 50 साल हो गए तो सोचिए बिल्डिंग कितनी पुरानी होगी। पलकों का महत्व तो है, लेकिन उससे ज्यादा महत्व है आंखों का। और ऊपर से बेचारे बच्चे अंधे भी हैं। शहर के बाहर मेरी एक बिल्डिंग है, जब तक नया स्कूल नहीं बन जाता आप बच्चों को लेकर वहीं रहिए। ऑल द बेस्ट। सर सच कहा जाए तो प्लीज ये मत कहना कि मैं देवता हूँ या भगवान हूँ। और इतना ही नहीं, कंपाउंड में मेरा नाम लिखवाना, फोटो लगवाना, ऐसा कुछ भी मत करना। थैंक यू, बाय माँ। संभल कर जाना। 5-10 रुपए का चंदा देकर अपने आप को दानी कहलाने वाले कई लोग हैं इस जमाने में, लेकिन ऐसे भी भले लोग हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा है। बहन जी, हम दुआ करेंगे गॉड से कि आपके बेटे को हमेशा खुश रखे और उसे हर दुख से बचाए। तुम लोग तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे भिखारी आपस में लड़ते हैं। एक तो टेंशन में पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं जो भी काम मजे के लिए करता हूँ वो भैया के लिए सजा बन जाता है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। वो कैसे? गेट अप चेंज। ये क्या यार, ये तो अपना बॉस बिल्कुल नहीं लगता। अरे हाँ यार, ए कौन है तू, कौन है बोल। अबे पागल समझा है क्या? ये सब करने से गेटअप बदलता है क्या? देखो सालो, बस का माने से कोई फायदा नहीं है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, इसलिए मुंह बंद करके चुपचाप बैठो। ए बदमाश, अगर तू ऐसा बोलेगा तो कैसे चलेगा? क्वार्टर का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। अरे क्वार्टर वाटर सब भूल जाओ, अगर कोई जुगाड़ कर सकता है तो वही कर सकता है। तुम्हारी तुम्हें तुम चारों भगवान का भेष बदल कर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ऊपर से मुझसे फूल लेकर मुझे पैसा दिया बगैर भाग जाना चाहते हो। अगर तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे तो तुम लोगों को पकड़ नहीं पाओगे, ऐसा समझा था। ए पैसे निकाल, निकाल पैसे, चल चल निकाल। राम की झोली में शराब। देखा दोस्तों, भगवान से हमने क्वार्टर मांगा था और उसने पूरा खम्बा ही भिजवा दिया। हनुमान ने मेघदूत का हार पहना है। अरे भगवान ने दारू के साथ चकना भी भेज दिया। क्या किस्मत है अपनी। निकाल, ये मेरा खुद का है। छोड़, निकाल, निकाल, छोड़। सीता के पास सिगरेट, तुझे शर्म नहीं आती? अरे ओहो, यहाँ देखो दोस्तों, शुक्रिया भगवान, पीने के लिए दारू दी, साथ में चखना दिया और तो और सिगरेट भी दे दी। हे भगवान, और कुछ दे रहे हैं तो वो भी जल्दी दे दो। जय हो भगवान। गायब हो गए, कमाल हो गया। देखो दोस्तों, इतनी चीजों के साथ भगवान ने लड़की भी दे दी। आज तो कमाई पर कमाई हो गई। मंगल्यम शिवाय छिप। आज के बाद मेरे भाई को मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। टेंशन फ्री। या नो प्रॉब्लम। ओके, मैं सोने जा रहा हूँ। ऑल बॉयज गुड नाइट। आई स्टडी यू 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 या गो। Hey, go, go, back, back. जब देखो तब सामने आती रहती है, नाचती है। Hey, तू यहाँ पर क्या कर रही है? भाई ऐसा जबरदस्ती मुझे उठाकर यहाँ ले आए, अब इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? जानू में जा या कहीं भी जा, मैं सो रहा हूँ।
हाय बॉस। पागल हो गए ये क्या? मैंने इतना मना किया फिर भी मेरी इज्जत लूट ली, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। ये क्या कह रही है, नाटक कर रही है क्या? नींद में ये सब हो सकता है क्या? सीधी तरह कहता हूँ कि चुपचाप फूट जाए यहाँ से, नहीं तो तेरी मैं यार रात को सॉलिड माल। अरे यार ये क्या लफड़ा, ऐसी हालत में क्यों खड़ी है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कहती है मैंने इसकी इज्जत लूट ली है। इज्जत लूट ली? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है यार। हम तेरी बात मान लेते यार, लेकिन तेरे गाल पर कुछ चिपका है। टिकली टिकली लगी। हाँ भाई जल्दी से उसे दे दे, 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 दे। क्या यार तेरी वजह से तेरे भाई को कोई परेशानी नहीं होगी? ये ढिंडोरा पीट रहा था और यहाँ तो तूने बहुत बड़ा कांड कर दिया। माँ कसम यार मैंने कुछ नहीं किया है। बस क्या यार, भगवान ने लड़की भेजी थी, सच बता दे नहीं तो भगवान को गुस्सा आ जाएगा। वैसे यार दोनों को देखकर कुछ तो हुआ है ऐसा लग रहा है। कल रात से इस लड़की में थोड़ा बदलाव तो नजर आ रहा है। क्या बकवास कर रहा है यार, आग को और मत भड़काओ वरना ये मेरे पीछे पड़ जाएगी। बस कीजिए, अपनी बातें बाद में कीजिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो कुछ पूछ रही है, जवाब देना यार। तुम लोग इसकी साइड ले रहे हो क्या? दिमाग सटकाना तो तुम्हें नंगा करके मारूंगा। चल निकल यहाँ से, तुम्हारी वजह से यहाँ टेंशन हो रहा है मुझे। चल निकल 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 यहाँ से। जा रही हूँ मैं, लोगों के सामने जाऊंगी और कहूंगी कि तुमने मेरी इज्जत लूट ली, अपने कपड़े फाड़ कर बिना लाउडस्पीकर के भाषण दूंगी। हाँ दे जाके। रुको, उसे रोक यार, अभी तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, अगर वो बाहर जाकर फिर से तेरी पब्लिसिटी करेगी ना तो भूकंप आ जाएगा। रुक जा, आज यहीं पर रुक जाओ, लेकिन वापस आकर छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जो करना था वो कर लिया, अब शादी करो। हाँ और आते वक्त चार समोसा पाव फटाफट लेकर आना। ठीक है भाभी। लगाऊं क्या तुझे? एक भाभी किसको बोल रहा है? हाँ नहीं नहीं, अब तक मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की है। अरे ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मुझे जल्दी निकालो यहाँ से। हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, ऐसा ड्रामा करके तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो तुम्हें बीच रास्ते में कुत्ते की तरह मारकर ले आया और यहाँ पर बांध दिया। मीडिया वालों ने टीवी पर वो सारी चीज लाइव दिखाई, तुम्हें छुड़ाना इतना आसान नहीं है। वो मंत्री वहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है? उसी के लिए ये मैंने मर्डर किया था ना। प्रेस वालों से मिलकर अपोजिशन वाले बहुत ही स्ट्रांग हो गए हैं, इसलिए और थोड़े दिन अंदर रहने में ही तुम्हारी भलाई है, ऐसा मंत्री जी कह रहे हैं। ठीक है तो मंत्री से कहो कि मुझे बाहर ना निकाले, उसे ही अंदर भेजने का कोई बंदोबस्त करे, और यहीं रहकर उस कमीने को मैं खत्म कर दूंगा। राने, ए राने, राने, चल इधर। क्या हुआ? कल मीठा लग रहा था, आज कड़वा लग रहा हो क्या? एक बार हो गया तो दूसरी बार क्या सोचना, भागम भाग करने की क्या जरूरत है? ए, सच बता, कल मैंने तेरे साथ कुछ भी नहीं किया तो आज भी कुछ नहीं करूंगा। कौन है तू? ये सब नाटक क्यों कर रही है? मुझे माफ कर दो, मैं एक फूल बेचने वाली हूँ, यही पास में रहती हूँ। मेरी माँ नहीं है, बाप शराबी है। मैं मेहनत करके फूल बेचकर जो पैसे कमाती हूँ वो मुझसे छीन कर शराब में उड़ा देता है। एक दिन तो वो अपने साथ किसी को घर लेकर आ गए और उसके साथ बैठकर पीने लगे। जो उनके साथ था वो मेरे पास आकर मुझसे जबरदस्ती करने लगा। जहाँ भी जाती हूँ ऐसा कोई ना कोई आदमी टकरा ही जाता है। कभी कभार मैं खुद को बचा सकती हूँ, लेकिन हर बार अपनी रक्षा करने के लिए मैं कोई झांसे की रानी हूँ क्या? बोलो। इसीलिए उस दिन जब मैंने तुम्हें एक गुंडे को मारते हुए देखा और ये देखा कि यहाँ के लोग तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं, तब से मैंने फैसला कर लिया कि मेरे लिए तुम ही सही जीवन साथी हो। इसीलिए किसी भी तरह से तुम्हारे साथ घर बसाने के लिए मैंने ये नाटक किया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तेरे पास पहनने के कपड़े नहीं थे इसलिए लेकर आया हूँ। तुम्हारे मुंह से सचो गलवाने के लिए रात को मैंने नाटक किया था, देख
इस एरिया में जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। मेरे ऊपर 40 केस चल रहे हैं। कब घर आऊंगा, कब मेरी रात जेल में बीतेगी मुझे भी नहीं पता होता। तुम्हें सहारा चाहिए तो तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन दोबारा कभी मेरे सामने प्यार मोहब्बत की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भगवान के लिए मेरे प्यार को इस तरह मत ठुकराओ। मैं अभी तक चाइनीज भाषा में बात कर रहा था क्या? मुझे और कोई भाषा नहीं आती, समझने की कोशिश करो। अरे रे 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 रे, हाँ बेटा, हमें जानता तो है ना, मैं कुमार हूँ, ये डेविड है और ये बेचारा विष्णु है। माँ तू भी अपना जरा इंट्रोडक्शन दे दे। ए, चुप कर, बेचारा मेरा प्यार अभिन, अरे यही तो उम्र है सब करने की। अच्छा है, तेरा सगा बेटा भी यहाँ खड़ा है, हमारी सेम एज है, सेम पोज है। कभी तुझे ऐसा लगा कि तुझे मेरे लिए भी लड़की ढूंढनी चाहिए माँ? लड़की क्या, तेरे लिए ढूंढ रही हूँ ना बेटा, तेरे साइज की नहीं मिल रही है ना। बेटा इन लोगों की कोई बात मत सुनना, लड़की ना एकदम अप्सरा जैसी है। नमस्ते मालकिन। क्या हुआ लक्ष्मी, तुमने घर आना क्यों बंद कर दिया? मेरा वहाँ ना आपके बेटे को अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए आना बंद कर दिया। मेरी बात पर तूने गौर किया क्या बेटा? माँ पहले अच्छी सी लड़की देखकर भैया की शादी करो, बाद में मैं कर लूंगा। ठीक है बेटा, तेरे भाई के ऑफिस जाने का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ। और मेरी वजह से भैया को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगी माँ। ड्राइवर समझ गया सर, गाड़ी वॉश करके ले जाऊंगा। तू इस गाड़ी से जा सकता है ना बेटा? गाड़ी मंदिर से होकर जाती तो जरूर जाता, लेकिन कहीं और से होकर आ रही है। क्या रे, आज कुछ अलग ही नजर से देख रहा है? उस दिन तू कह रहा था ना कि मेरे अंदर की चीज बाहर लाएगा। ये दुनिया देखकर हिल जाए, ऐसा कुछ करूंगा तू करोड़ों करोड़ों कमाएगी। ये सब कभी नहीं हो सकता है, चलो छोड़ो। क्यों नहीं होगा, मेरी बात सुनेगी तो सब कुछ हो सकता है। मुझे क्या करना होगा? अरे ये क्या चीज है, कितने छोटे कपड़े हैं। अब देख, तू ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनेगी तो बहुत बड़ी बन जाएगी और बहुत पैसे कमाएगी, पहनेगी ना? तू तो पटाखा लग रही है आज, तेरा नाम सरसा नहीं है, सानिया सरसा है। ये ले बैठ, मैं जैसा कहूँ वैसा करना, कॉट खाने को। ओके ओके, ऐसे पकड़, ऐसे घुमा। अरे तुम भी ना ऐसा नहीं करते, मैं जैसा बता रहा हूँ ऐसा करो, ऐसे हिलती रहो, प्रैक्टिस है ये। ऐसे घुमा, ऐसे घुमा। ओह मेरी गाने मन कितना अच्छा खेल रही है, आगे लग जा। बॉस आ गए, तू अच्छा खेलती है, अब जल्दी से कपड़े बदल ले। क्या हुआ राम, एनी सीरियस प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो होगी अंकल, सुबह से कॉल्स पर कॉल्स आ रही हैं। तुम जरा माथुर जी को फोन लगा। यस सर। सर क्या हुआ माथुर जी, सब लोग मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है? सुबह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम तो है, वो शंकर नाथ कृष्णकांत सारे पॉलिटिशियन मुझे फोन करके कह रहे हैं हम पार्टी फंक्शन करवा रहे हैं, हमारे लिए खाने का बंदोबस्त करवाइए, कटआउट लगवाइए, मेरा दिमाग खा रहे हैं वो लोग। ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसों का जो भी लेन देन हो वो सब आपको करना है, मैं ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखता, आप अच्छी तरह जानते हैं, इसमें मुझे क्यों घसीट रहे हैं? सॉरी सर, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, आगे से नहीं होगी सर। होना भी नहीं चाहिए, अगर कोई अनऑथराइज्ड डील हो तो आप सोनिया से डिस्कस कीजिए, इस ऑफिस के मामले में सोनिया मेरी आधी हिस्सेदार है, आगे से मुझे टेंशन मत दीजिए। नहीं होगी सर, इस बात का ख्याल रखूंगा। देखो राम, हमारे बिजनेस में पॉलिटिशियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर उनका सपोर्ट ना हो तो इस कॉम्पिटिशन की दुनिया में हम लोग ब्लैकआउट हो जाएंगे, मार्केट में सब कुछ खुलेआम करना नामुमकिन है। अपने बिजनेस को ऐसे पूरी तरह फ्लैश आउट करके रहेंगे तो बहुत तकलीफ होगी, अगर हम सब कुछ चोरी छुपे करेंगे तभी हम जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। तुम तो जानते ही हो आजकल सब कुछ एडजस्ट करके चलना पड़ता है। इस ऑफिस से जुड़ी होने के नाते तुम आधी हिस्सेदार हो, तुम जो भी डिसीजन लोगी मुझे मंजूर होगा।
राम नारायण साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। पता नहीं किस पॉलिटिशियन से उनकी जमीन नहीं, उनका ट्रांसफर क्यों करवाया कुछ पता नहीं चला। जानता हूँ सर। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, उसने छोटे भाई को पकड़वाया है इसलिए वो भाई का दुश्मन है। अब छोटा भाई किसी भी तरह से उसे अंदर करने के लिए कह रहे हैं। सुना है कि वो यहाँ का लोकल गुंडा है, उसे पकड़कर भाई के पास पहुँचा दे वरना भाई से मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। वो अरेस्ट हो चुका है, ये खबर आपको आधे घंटे में मिल जाएगी सर। सर जल्दी मुजरिमों की फाइल लेकर आओ। यस सर। उस राज की फाइल कहाँ है? वो तो बहुत अच्छा इंसान है सर, इसका नाम क्रिमिनल लिस्ट में नहीं डाल सकते। उसके ऊपर सिर्फ छोटे मोटे केस हैं सर, बड़ा एक भी केस नहीं है। छोटे केस हो या बड़े केस हो, डिसाइड करने वाला मैं हूँ। जल्दी से फाइल लेकर आओ, जाओ। जी सर। तू कोई बहुत बड़ा गुंडा है क्या? हाँ सर, आपके सामने मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। चल जीप में बैठ। चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, साले को ढूंढ निकालेंगे। सर चल, चल छोड़ दीजिए। ये राज कहाँ रहता है? पता नहीं सर, कहाँ मिलेगा वो। आओ बेटा। तुम होकर आओ माँ, मैं फोन करके आता हूँ। ठीक है। ड्राइवर। हाँ सर। तुम साथ में जाओ। ठीक है सर। चल गाड़ी में बैठ। ये आप क्या कह रहे हैं, मैं कौन हूँ आप जानते हैं? hey, तू कोई भी है, मुझे उससे क्या। चल गाड़ी में बैठ। डोंट टच मी, डू यू नो हु आई एम। कॉलर छोड़िए मेरा, कॉलर छोड़िए। तू कौन है ये जानकारी तुझे लेने आया हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ ये तू नहीं जानता, थाने में जाने के बाद पता चलेगा। चल नहीं छोड़िए, बैठ गाड़ी में। बैठ। राम, राम, ये सब कैसे हुआ बेटा? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भैया। ये लोग मेरे धोखे में आपको उठा लाए, मुझे माफ कर दीजिए भैया। माँ, भैया को समझाओ ना माँ, भैया से कहो मुझे माफ कर दें। आओ बेटा घर चलते हैं। भैया, भैया, और मारो। ए, वर्दी पहनने के बाद तुझे कुछ दिखाई नहीं देता क्या? हाँ, मेरे भैया कौन है पता है? पता है कौन है? देवता, देवता है वो। ऐसे इंसान को लॉकअप में बंद कर दिया तूने? हाँ, देख लो, अच्छी तरह देख लो ये चेहरा, और इस चेहरे को अच्छी तरह से पहचान ले। अगर दोबारा कभी तूने मेरे भाई को छुआ भी ना, तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और तेरे बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। याद रखना, चीर के रख दूंगा, चीर के रख दूंगा तुझे। हाँ जाने दीजिए। उठिए सर। छोड़ो। ए, आराम से पी यार, आराम से पी यार। दिल की हालत कुछ ठीक नहीं है यार। ए, मेरा भाई है ना, फूल की तरह है। मेरी माँ ने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला। उस कमीने इंस्पेक्टर ने उसे इतना मारा कि उसका खून निकल आया। उसकी तो ए, पिछले हफ्ते ही मैं अपनी माँ के पास गया था, कहा था मेरी वजह से भैया को कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं उसे अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगा? अपने भाई से मैं कैसे बात करूंगा यार? सुनो, उस सारे इंस्पेक्टर के टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश के टुकड़े भाई के सामने डालूंगा ना, देन आई हैप्पी। क्या हुआ भैया, मुझे अर्जेंट बुलवाया आपने, कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बिजनेसमैन की लाइफ में बहुत परेशानियां होती हैं। कल जो हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भैया, उस इंस्पेक्टर को मैंने अच्छा सबक सिखा दिया है। आप अपना दिल
बिल्कुल छोटा मत कीजिए प्लीज भैया। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बीती बातें नहीं सोचता, कल की बात सोचता हूँ। खैर छोड़ो, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? बताइए आपको कौन तकलीफ दे रहा है, काट डालूंगा साले को। हाँ हाँ, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। बिजनेस में कोई अपने दिमाग से आगे नहीं बढ़ता, सामने वाले को मारकर उसकी लाश पर आगे बढ़ता है। क्या कहा आपके साथ कोई ऐसा? अब मेरी बात ध्यान से सुन, शामनगर एयरपोर्ट के पास जो हमारी बिल्डिंग है ना, उसमें मैंने ब्लाइंड स्कूल के बच्चों के रहने का इंतजाम किया है। उस एरिया के गुंडों ने बिल्डिंग पर कब्जा करके रखा है और वो जगह खाली नहीं करेंगे, धमकी दी है। उन गुंडों को वहां से निकालना है। अगर मैं चाहूं तो मिनिस्टर को फोन करके 2 मिनट में जगह खाली करवा सकता हूं, लेकिन तब पब्लिक में मेरा नाम उछलेगा और ये मुझे पसंद नहीं है। इसी वजह से ये काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। अरे ये तो बहुत मामूली काम है भैया, चुटकी बजाते उन सालों के हाथ पैर तोड़ के उस जगह को खाली करवा दूंगा। यही तो मैं नहीं चाहता। बिना मारपीट किए किसी को भी चोट नहीं आनी चाहिए, आराम से और शांति से ये काम होना चाहिए। ठीक है भैया, आपने कह दिया ना, समझिए कि वो जगह खाली हो गई। मैंने गलती से किसी को अरेस्ट कर लिया, जिसे पकड़ना था उसका जुड़वा भाई था वो, मैं हैरान हो गया। इतने में उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। एक पुलिस वाले पर हाथ उठाने वाले को मारकर अंदर करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन इतना उसके लिए काफी नहीं है। एनकाउंटर के नाम पर एक गली के कुत्ते की तरह दौड़ाकर गोली मारकर मंत्री जी और छोटे भाई को खुशखबरी देना चाहता हूँ, इसीलिए उसे आजाद कर दिया। ये हुई ना बा, तू टेंशन बिल्कुल मत ले, ले एक और पैग मार। कौन है रे तू? नमस्ते भाई, वो शामनगर में जो बिल्डिंग है ना, उसके ऑनर का भाई हूँ मैं। भैया कह रहे थे कि आप उस जगह को खाली करने से मना कर रहे हैं, इसीलिए। तू कोई बहुत बड़ा भाई है क्या? तेरे भाई को इतना समझाए उसके समझ में नहीं आया क्या? ए, चल निकल। प्लीज भाई, मेरे भाई ने वो जगह अंधे बच्चों को दान की है, भगवान के लिए खाली कर दीजिए भाई। नमस्ते सर, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, उस दिन आपने मेरे भाई को इतना मारा कि उनको खून निकल आया, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैंने आप पर हाथ उठा दिया। गुरु, इसने तुम पर हाथ उठाया क्या? ए, देख क्या रहे हो तुम लोग, मारो साले को। थैंक यू सर, मारिए भाई, मुझे जितना मारना है मारिए, लेकिन ये जगह खाली कर दीजिए भाई। क्या भाई भाई कर रहा है, मस्का मार रहा है? हम जगह खाली नहीं करेंगे, दम है तो अपने उस नामर्द भाई को लेके आ। बात बात पर गुस्सा हो जाता हूँ, भैया ने क्या कहा था, मारपीट किए बिना चुपचाप शांति से जगह खाली करवाना। उठो भाई, उठो भाई। हाँ भाई, भाई प्लीज नाराज मत होना, गुस्से में हाथ उठ गया था मेरा। अगर तुम चाहो तो तुम भी मुझे मार सकते हो, मारो 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 मुझे, लेकिन नाराज मत होना भाई। हाँ हाँ, आराम से आराम से। भाई मैं मारपीट करने नहीं आया, जगह खाली कर दीजिए भाई। क्या कहा तूने, मारपीट करने नहीं आया? भाई मारेगा क्या तू? नहीं भाई, अगर तू अपने बाप की असली औलाद है तो मार के दिखा।
भैया आपने कहा था ना, मैंने वो काम पूरा कर दिया भैया। आज के बाद वो गुंडे आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। मुझे अच्छी तरह पता है कि तू ये काम कर सकता है, इसीलिए तो तुझसे कहा, ये बताने के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी। इडियट, ये क्या है? क्या यही सब देखने के लिए मैं अब तक जिंदा हूँ? तेरा भाई तेरे साथ गुलामों की तरह पेश आता है, अगर ऐसे ही जिंदगी बिताएगा तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी बेटा। लक्ष्मी बता रही थी रानी नाम की कोई लड़की है, वो तुझे बहुत पसंद करती है, तुझसे शादी करना चाहती है। उससे शादी कर ले बेटा, तब तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। अब जब भी तू मुझसे मिलने आएगा ना, अपनी पत्नी के साथ ही आना। तुम तो एक ही बात कर रहे, लेकिन मैंने दो फैसले किए हैं। तुम्हारे लिए मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा, और भैया के लिए यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। उस दिन मेरी वजह से पुलिस ने भैया को अरेस्ट किया, तेरी कसम खाता हूँ मां, मेरी वजह से भैया को कोई परेशानी नहीं होगी। ये ले। तुम भैया से बात करो, मैं उस लड़की से बात करता हूँ। बात करने के लिए रह क्या गया, अब बात करने से कोई फायदा नहीं, मैं चलती हूँ। रानी सब्र कर बेटी, उसे आने तो दे, मैं उससे बात करूंगी। अरे रे, बात करने से मानने वाला नहीं है वो माँ जी। बेशरम बन पूछ भी लिया उससे, लेकिन वो अटके हुए रिकॉर्ड की तरह शादी करने के बाद मैं घर में आऊंगा भी या नहीं, या जेल में ही रहूंगा, ऐसा कहकर बार बार एक ही बात दोहराता है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करता है। मैं जा रही हूँ, मुझे मत रोकिए। रुक बेटा, तुझे जो कुछ भी बताना है तो खुद उसे बता कर जाना। उसे आप ही बता दीजिए। ए रानी रुक, ए रानी, कब से बुला रहा हूँ तुम्हें, सुनती क्यों नहीं, कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जाऊँ तुझे से क्या? ए, तुमसे एक जरूरी बात करनी है, थोड़ी देर रुक सकती हो? जो कहना था वो तो कह दिया ना, अब कहने के लिए बचा क्या है? मेरे आने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। एक बात अपने भेजे में बिठा लो, मैंने अपने आप को सिर्फ एक बार बचा लिया, लेकिन हर बार बचाना मुमकिन नहीं है। आज नहीं तो कल एक लड़की का बलात्कार हुआ, उसका खून हो गया, मेरी फोटो पेपर में छप जाएगी, उस दिन तुम्हें जरूर बुरा लगेगा। तूने क्या कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, अब मैं जो कहता हूँ उसे तू ध्यान से सुन। ठीक है कहो। वो मैं तुम्हें पटाऊँ क्या? हाँ, तुमने क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। मैं तुम्हें पटाऊँ क्या? क्या सुनाई नहीं दे रहा है? मैं तुम्हें पटा कर रहूंगा। यस, यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों सर, मैंने क्या किया? इंस्पेक्टर राम नारायण के खून के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। क्या सर, इंस्पेक्टर राम नारायण के खून से मेरा कोई संबंध नहीं है। कल तुम श्याम नगर गए थे ना? गया था। वहाँ मारपीट की थी? की थी। इंस्पेक्टर राम नारायण को भी मारा था? बहुत मारा था उसे, इसलिए वो मर गया। मर गया? मेरा उसकी मौत से कोई संबंध नहीं है सर। ए, ये सब तू कोर्ट में बोलना। कांस्टेबल सर, अरेस्ट करके ले चलो इसे। राज, सर, सर, आपके भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई है सर, वो बहुत अच्छा इंसान है सर, छुड़ा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर। कौन हो तुम? आउट, आउट। ए सिक्योरिटी, बंदे सर। सर, 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 भगवान के लिए उसे छुड़ा लीजिए सर, हम दोनों शादी करके आपकी नजरों से कहीं दूर चले जाएंगे सर। सर पैर छोड़ो सर, पहले वो मेरा भाई है, उसके बाद तेरे साथ संबंध है, वो कभी बाज नहीं आएगा, उसका क्या करना है मुझे पता है, तुम जाओ यहाँ से। माँ जी, माँ जी, आप इन्हें समझाइए ना, माँ जी, प्लीज माँ जी। सिक्योरिटी इसे बाहर निकालो। माँ मैं शाम को फार्म हाउस जा रहा हूँ, मेरे कपड़े तैयार रखना। बेटा सर, सर, यहाँ छोड़ती हूँ सर, सर, सर। छोटा भाई, हमने आपके दुश्मन राज को अंदर करवा दिया है, उसकी कहानी खत्म कर दीजिए, लेकिन थोड़ा आराम से। आराम से नहीं, आज रात को ही मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। आप सोच रहे हैं इतनी आसानी से उसे नहीं मार सकते, प्लान करके ही मारना होगा, आप समझ रहे हैं ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपने भाई पर इतना भरोसा क्यों करते हो, जबकि वो भरोसे के लायक ही नहीं है। नहीं रानी, जब मैं अपने भैया को बताऊंगा कि खून मैंने नहीं किया तो वो जरूर मुझे छुड़वा लेंगे। यही बात तो मैंने भी उनसे कही, उनके पैरों पे गिरकर उनसे विनती की, उन्हें तो तुम्हें रिहा करवाने की कोई फिक्र ही नहीं है, तुम यहाँ जेल में बंद हो और वो बेफिक्र होकर फार्म हाउस में आराम करने गए हैं, इसे कोई प्यार कहता है क्या? वो तो इंसान ही है। मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ, तुम क्या जानती हो? अगर वो यहाँ मुझसे मिलने नहीं आए तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। अपने भाई से मिलकर जब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने खून नहीं किया तो वो जरूर मुझे रिहा करवा देंगे, चाहे कुछ भी हो मुझे भैया से मिलना ही होगा, और उसके लिए एक ही रास्ता।
भैया 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 आपके हत्यारे मेरी आंखों के सामने से बच के भाग गए भैया। वो चाहे कहीं भी छुपे हों, उन्हें ढूंढकर आपकी मौत का बदला जरूर लूंगा भैया। आज का प्रोग्राम सानिया, मुझे थोड़ी देर अकेलापन चाहिए। किसी का भी कॉल आए कनेक्ट मत करना। ओके। सानिया, कम यार। सर, कॉफी सर। हाँ सर, आज मेरा जन्मदिन है सर। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सानिया, इसे 10,000 रुपए दे दो। सर सर, इसकी माँ के इलाज के लिए आपने जो 50,000 रुपए दिए थे ना, उसमें से 12,000 रुपए बची तो इसने वापस लौटा दिए। इसका मतलब ये किसी भी हालत में भैया का खूनी नहीं हो सकता। चेंज नजर आ रहा है सर। What do you mean? लास्ट वीक से आप अनवांटेड प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ही टेंस लग रहे थे, पर फार्म हाउस से लौटने के बाद यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश। सानिया, बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए सर। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने ऑफिस में कभी किसी का बुरा नहीं किया। क्या किसी को मुझसे नफरत है? ये आप कैसा सवाल कर रहे हैं सर? ऑफिस के सारे लोग आपको भगवान की तरह पूछते हैं। स्टाफ में कोई परेशान होता है तो उसे बुलाकर क्या हुआ पूछकर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ऐसे में कौन आपसे नफरत करेगा सर? बिजनेस की दौड़ में न जाने कब से दौड़ रहा हूँ मैं। इस दौड़ में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो मुझसे टकराया होगा, इसीलिए पूछ रहा हूँ। ऐसी एक शख्स है, तुम्हारी माँ। तुमने अपने भाई को जेल से नहीं छुड़ाया, इसलिए वो बहुत उदास है। जस्ट लीव इट। आज कोई इमरजेंसी मीटिंग तो नहीं है ना? नहीं सर, मैंने सारा काम निपटा दिया है और माधुर जी को भी सारा काम समझा दिया है। सो मेरे न होने से भी ऑफिस चलेगा, लेकिन सोनिया के बिना ऑफिस नहीं चलेगा। ऐसी बात नहीं है सर, आपने मुझे इतना पावर दिया है इसलिए मैं ऐसा कर पा रही हूँ। तुम्हारी ट्रेनिंग है ना बेटा, उम्र कम है फिर भी तजुर्बा बहुत है। कोई भी काम हो बड़ी आसानी से कर देती है। ये दोनों भी भैया के खूनी नहीं हो सकते। माथुर जी, इनसे एक बार मिलता हूँ। ओके, कैरी ऑन।
शंभू जी मालकिन, धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगता। ठीक है। अरे बेटा हाँ? आज इतनी जल्दी आ गया? दो दिन के लिए फॉर्म हाउस गया था ना, हाँ? इसलिए ऑफिस में बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था। ओ। उसे खत्म करने में टाइम लग गया, थोड़ा सिरदर्द करने लगा। क्या सिरदर्द हो रहा है? चल बैठ, अभी डॉक्टर को फोन। कोई बात नहीं माँ, 10 मिनट आराम करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। ऑफिस में भी कुछ नहीं मिला, घर में भी कुछ नहीं मिला, कोई फोटो, कोई एड्रेस, चाहे कुछ भी हो, भैया के हत्यारों को मैं हर हाल में ढूंढ कर रहूंगा। तू कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा, 1 रुपए का कॉइन कहाँ है ये तू किसी भी हालत में ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि ये यहाँ मेरे पास है, ये ले। धन्यवाद। 1 रुपए का सिक्का हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ तेरे लिए नहीं, ये 1 रुपए का सिक्का मेरे लिए भी बड़ी चीज है। ए माधव। जी माजी। तूने खाना फिर से तीखा बनाया? तुझे कुछ समझ में आता भी या नहीं? जी। इसे तीखा खाना नहीं चलता, तुझे पता नहीं? वैसे तो मैंने चक्कर देखा था, तीखा तो नहीं था, फिर खाना तीखा कैसे हो गया? माजी साहब तो खीर खा रहे हैं। हाँ? क्यों बेकार में परेशान होती हो माँ, वो तो बस जीभ कट गई थी। हेलो मिस सोनिया। यस। आई एम फ्रॉम सीबीआई, शिव राम प्रसाद, सब मुझे प्रसाद बुलाते हैं। मुझे आपके एमडी से मिलना है। सॉरी सर, आप गलत जगह पर आए हैं। दिस इज राम कॉर्पोरेशन। आपके एमडी का नाम राम ही है ना? हाँ है, लेकिन हमारे ऑफिस में पुलिस के आने की जरूरत नहीं है। मुझे है, एक केस के सिलसिले में आपके एमडी से इंक्वायरी करने की मुझे जरूरत है। सॉरी, एक बार कहने से आपको समझ में नहीं आता क्या? हमारे एमडी के साथ कौन बात कर रहे हैं पता है? होम मिनिस्टर। पार्टी के फंक्शन में 5 लॉरियां भरकर लोग आ रहे हैं, उनके खाने का इंतजाम करने के लिए वो हमारे एमडी से पैसे मांग रहे हैं, और ऐसे में आप यहाँ पर आकर तुरंत मिलना है कहेंगे तो कैसे हो पाएगा? आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। नो मिस सोनिया, ये आपके एमडी से रिलेटेड बात है, सिर्फ उन्हीं से मुझे कुछ इंक्वायरी करनी है। दैट्स नॉट पॉसिबल, आप सच में गलत जगह पर आए हैं, यू मे गो नाउ। मिस सोनिया, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्या? अभी तक आपकी उम्र 24 साल 8 महीने 13 दिन 7 घंटे 36 मिनट और 20 सेकंड हुई है। BVM आपकी क्वालिफिकेशन है, अपने एमडी की आप सीनियर सेक्रेटरी हैं, आपकी मनपसंद चीज है चिकन कबाब और नापसंद चीज है इडली सांभर। आपके पिता का नाम है शैलेंद्र बाबू, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर, उन्हें शुगर की बीमारी है। माँ का नाम है कमला देवी, पिछले महीने उनका आई टेस्ट करवा के उनके जन्मदिन के तोहफे पर आपने उन्हें एक महंगा चश्मा दिलवाया। भाई PU कर रहा है, बेस्ट बॉडी। बहन BSc कंप्यूटर साइंस, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। मंडे टू फ्राइडे टाइम वाइम देखे बिना काम करने वाली आप। सैटरडे के दिन फ्रेंड्स के साथ रिलीज हुई सारी फिल्में देखकर संडे को फिर फ्रेंड्स के साथ कॉफी डे में गपशप मारती हो। लाइफ को जरा भी सीरियसली ना लेने वाली एक जॉली कैरेक्टर हो। यहाँ पर काम करते हुए तुम्हें करीब 3 साल हो गए और बॉस से 2 महीनों में प्यार हो गया, और आज सुबह जब आप अपनी नई गाड़ी से ऑफिस आ रही थी तो उसी वक्त टायर पंक्चर हो गया। फिर आप ऑटो पकड़कर ऑफिस पहुंची लेकिन 10 मिनट लेट,
ऑटो का किराया हुआ 55 रुपया और 5 रुपया टिप्स मिलाकर आपने 60 रुपए दिए और ऑटो से उतरते वक्त ऑटो के सीट पर लगी हुई ग्रीस जो आपके स्कर्ट पर अभी भी लगी हुई है, ये बात जाने बिना आप सुबह से ड्यूटी कर रही हैं। अब कहिए मैं सही जगह पर आया हूँ या गलत जगह पर हूँ? एक्सक्यूज मी सर, आपसे मिलने के लिए कोई शिवराम प्रसाद नाम के सीबीआई अफसर आए हुए हैं। हाय, प्लीज कम इन, टेक योर सीट। थैंक यू। आई एम शिवराम प्रसाद फ्रॉम सीबीआई, सब मुझे प्रसाद के नाम से बुलाते हैं। जन्म हुआ पालघर में, पढ़ाई मुंबई में, 25 साल से सीबीआई की सर्विस कर रहे हैं। अब तक आप हैंडल कर चुके हैं 99 केस, सारे सक्सेसफुल रहे। लेट मैरिज, शादी को 10 साल हुए हैं, 5 साल का एक बच्चा है। अभी तक आपने कभी जन्मदिन या शादी की सालगिरह सेलिब्रेट नहीं की है। सब लोग पहले घर की तरफ ध्यान देते हैं, बाद में ऑफिस का काम देखते हैं, लेकिन आप पहले ऑफिस का काम निपटाते हैं, बाद में घर की तरफ देखते हैं। वेरी गुड। यूपी के एक मिनिस्टर का आपने पर्दाफाश किया, इसलिए यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। आपके यहाँ आते ही आपको सौंपा गया है पहला केस, मेरे छोटे भाई को पकड़ना। आप उसकी तलाश में यहाँ आए। Am I right? Wrong. मैं यहाँ तलाश करने आया हूँ बड़े भाई की। What? आपको बड़े भाई की तलाश है? वो तो मैं ही हूँ। I am Ram. Any doubt? No doubts, but confusion. आप बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, यही कन्फ्यूजन है। इसी सिलसिले में इंक्वायरी करने आया हूँ, और अगर आप मुझे कोऑपरेट करेंगे तो आपसे और आपसे जुड़े लोगों को बिना कोई तकलीफ दिए इंक्वायरी करूंगा, और अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया तो हर बार सम्मन और लीगल नोटिस के साथ आना पड़ेगा। अपने भाई की वजह से मुझे बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मैं ही राम हूँ, मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं, और अगर किसी चीज से डर होगा तभी आपसे कोऑपरेट करने में डर लगेगा। एक्सेप्ट मीटिंग टाइम 24 आवर, आपको जब भी मेरी जरूरत हो आप मुझसे आकर मिल सकते हैं। आप चाहे कितनी भी होशियारी से बात करें, मुझे पता है कि मुझे छोटे भाई को नहीं बड़े भाई को ढूंढना है। यार पीना यार, बहुत दिन हो गए तेरे साथ बैठकर पिए हुए, पूरी 90 है यार, नीट है, पानी नहीं डाला, पीना यार। तेरे साथ पी के बहुत दिन हो गए यार, एक पैक तो मारना यार। यार तू नहीं पिएगा क्या? छोड़ मैं ही पी लेता हूँ। जिस दिन अपने यार को अरेस्ट किया, अगर उस दिन मैं वहाँ होता ना तो उस इंस्पेक्टर की कहानी बदल देता। क्या करता तू वहाँ? ए तुझे मेरी मर्दानगी पर शक है क्या? वंस अपॉन अ टाइम कमला नगर में राम बहादुर और श्याम बहादुर के साथ जबरदस्त लफड़ा हो रहा था, पुलिस फायरिंग भी हो रही थी, उस वक्त ना मिडिल में मैंने एंट्री मारी, उस दिन लगी गोली का निशान आज भी मेरी बॉडी पर है, देखेगा क्या? देखो बेटा, पाटलिपुत्र में एक दिन श्याम राव और भीम राव का सॉलिड लफड़ा हो रहा था, गोलीबारी हो रही थी, तुझे तो एक ही गोली लगी, मुझे दो गोली लगी थी, पीछे से घुसकर सामने से बाहर निकल गई, ये देख। अरे बाप रे, ये क्या है? तुझे तो गोली लगी है, कई बड़ी बात नहीं है, मेरी बॉडी पर। अरे ये क्या लगा रहता है? नालायको, तुम लोगों को पीने का बस एक बहाना चाहिए, मेरे बेटे का नाम लेकर तुम लोग पी रहे हो। वो क्या है ना माँ, राज जेल से भाग गया तो वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उस टेंशन में हम पी रहे हैं। ए, मेरे बेटे ने कोई खून नहीं किया है, उसकी कोई मजबूरी होगी, जरूर कोई वजह होगी, वरना किसी से डर कर छुप कर बैठने वालों में से नहीं है मेरा बेटा। हाँ मेरा बेटा जरूर वापस आएगा, एक राजा की तरह आएगा। पता है, तभी तो वो कहाँ ये जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। उसने खून किया है एक पुलिस इंस्पेक्टर का, और तो और वो जेल से फरार भी हो गया है, उसे देखते ही शूट करने का ऑर्डर दिया गया है। ख्याल रहे, अगर वो यहाँ आता है या फिर वो कहाँ ये पता चलता है तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना, वरना उसकी मौत के लिए तुम सब जिम्मेदार होंगे, समझ गए ना?
इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने अप्लाई किया था। कॉम्पिटिशन के बाद भी ये काम हमें मिला है। इट्स अ चैलेंजिंग वर्क, बड़े ध्यान से काम कीजिए। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें गवर्नमेंट से अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, अंडरस्टैंड? वैसे काम तो काफी फास्ट हो रहा है सर, फाइलिंग की जगह से पानी भी निकला है, इंस्पेक्शन करने वाले जो ऑफिसर्स आए थे वो भी अप्रिशिएट करके गए, और सबसे अच्छी बात ये। अच्छी बातें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तब मुझे बताइए। एक छोटी प्रॉब्लम हुई है सर, सुबह एक मजदूर लड़की के सर पर पत्थर गिर गया, हमने उसे खैराती हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। सर पर पत्थर गिरा और खैराती हॉस्पिटल में, क्या हुआ उसे? हेड इंजरी सर। तुरंत उसे अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाइए, चाहे जितना भी खर्चा हो परवाह नहीं, क्योंकि इंसान की जिंदगी से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं, समझ गए ना? यस सर। सर ये आप क्या कर रहे हैं? सर पानी। ये रेत कौन सप्लाई करता है? यही करते हैं सर, इनका नाम राजेश है। क्या हुआ सर? इनका सारा पेमेंट रोक दीजिए और इनके नीचे जितने लोग भी काम करते हैं उनको डिसमिस कर दीजिए। क्यों सर, बात क्या है? इन्होंने नदी की रेत में समुद्र की रेत में ला दी है। इनके द्वारा सप्लाई किए गए माल से हमने जो भी ब्लॉक बनाए हैं उन सबको फेंक दीजिए, नए बनवाइए, पैसे की कोई चिंता मत कीजिए। अगर ऐसा नहीं किया तो ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, तब गवर्नमेंट और मार्केट की नजर में हमारा ब्लैक लिस्ट में नाम शामिल हो जाएगा। सोनिया यस सर, हमारे लॉयर से कहकर इन पर केस फाइल करवाओ। सर मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। मैं गलती करने वालों को तो माफ कर देता हूँ, लेकिन विश्वासघात करने वालों को कभी माफ नहीं करता। सर कुछ पता चला क्या? सर हमने काफी इंक्वायरी की है सर, वो बड़ा भाई है। किसी को भी शक हुए बिना अपनी ड्यूटी करते रहो, कोई क्लू मिले तो फौरन मुझे इन्फॉर्म करो। यस सर। अब राइट, अब लेफ्ट। अरे अरे अरे, ओहो क्या नंदू, सुबह सुबह ही मुझे तकलीफ देना शुरू कर देते हो। ऐसे परेशान नहीं होते रानी, उस टेनिस प्लेयर को हरा कर तुझे स्टार बनना है तो स्लिम होना पड़ेगा, और स्लिम होने के लिए साइकिल चलाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी तरह मोटी बनकर WWF जैसे फाइट करना पड़ेगा। पकड़ो 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 पकड़ो, चलो। अरे आगे देखो, मुझे नहीं आगे देखो। कमर में हाथ मत डालो नंदू, कुछ अजीब सा। ध्यान जो है कमर पर नहीं होना चाहिए, साइकिल पर होना चाहिए, रोड पर होना चाहिए, कंसंट्रेशन। नंदू मैं खुद ही छोड़ दूं, टेनिस प्लेयर स्टार भूलना नहीं, ऐसे ही जाती रहो। अब वापस आ जाओ। क्या सर, लड़की देख रही कि लड़ गए उसके साथ। उठो उठो उठो, चलो उठो उठो मेरी रानी, उठ जा। गिर गई बेचारी, तुझे कोई चोट तो नहीं लगी ना? जहाँ मैं गिरी वहाँ कितना बड़ा पत्थर पड़ा है। शुक्र है मैं इन पर गिरी, इसने मुझे कोई चोट नहीं लगी, भगवान की तरह आकर मुझे बचा लिया, थैंक्स। अब हो गया ना, जाइए ना सर अपना काम देखिए। आज किसी के साथ सेटलमेंट की मीटिंग है क्या? है सर, अपने बैंगलोर के प्रोजेक्ट के लिए माथुर जी को 50 सेकंड इंस्टॉलमेंट देना बाकी है। 50 करोड़? कौन है ये माथुर? इस आदमी से मिलना होगा। सोनिया माथुर जी को फोन करो, उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। उन्हें यहाँ बुलाना है? हम तो अब तक सिर्फ उन्हें पैसे भेजते आए हैं, वो खुद कभी यहाँ पर नहीं आए। उनसे कहो कि यहाँ आने की आदत डाल लें। मुझे यहाँ आने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ये जानते हुए भी आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ, अपने श्यामनगर के साइट पर एक प्रोजेक्ट चालू करने की सोच रहा हूँ, देखिए वहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके छोटे भाई ने वो काम किया है कि उस एरिया से 50 किलोमीटर दूर भी कोई आने की जरूरत नहीं करेगा, और तो और हमें जो मिलना चाहिए वो जब ठीक से मिल ही रहा है तो आपका सारा काम भी ठीक से ही चलेगा। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जब भी किसी मिनिस्टर के पास जाता हूँ तो आपको एक प्रोजेक्ट देना ही होगा, ऐसा बेझिझक कहता हूँ, क्योंकि आपका पेमेंट काफी सिस्टमैटिक है, और ऊपर से सारे पैसे कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं ये पूछे बगैर लाखों करोड़ों का काला धन आप मुझ पर विश्वास करके देते आ रहे हैं। मैं आपके लिए खून के अलावा और कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हेलो यंग ब्रदर, कोट पहनकर बहुत पसीना छूटता है ना, चुपचाप अपनी औकात पर आ जा, तेरे लिए यही बेहतर है। कौन है, कौन बात कर रहा है? वही जिसकी तुझे बहुत जरूरत है। सोनिया,
पता करो ये नंबर कहाँ से आया है। ये तो रामकिशन जी की टेबल का नंबर है सर। क्या हुआ सर, एनी प्रॉब्लम? नथिंग नथिंग। सोनिया, माथुर जी को जैसे पेमेंट करते आए हैं उसी तरह आगे भी करते रहो। ओके सर। थैंक यू सर। हाँ ए विष्णु डेविड, इधर आओ। क्या हुआ रे, क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो। आओ आओ माँ, देखो माँ। रानी बेटा इधर आ। क्या हुआ? ए, अपना यार बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। आज नहीं तो कल वो जरूर आएगा यहाँ, देखना वो जरूर आएगा। ए, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। तुझ जैसे लोगों के मुंह खुलवाने के हमारे पास और भी तरीके हैं। बोल बोल राज कहाँ है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। ए, सुबह वो जरूर आएगा कह रहा था, और अब कहता है मुझे नहीं पता। सर वो आएगा बोला तो यकीन किया ना, वो कहाँ है नहीं मालूम बोला तो क्यों यकीन कर रहे? बदमाश पुलिस के साथ खेल खेलता है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इस केस से जुड़े हुए एक और इंपॉर्टेंट पर्सन तशरीफ ला रहे हैं। ये क्या मिस्टर प्रसाद, पूछताछ के लिए मुझे थाने में क्यों बुलाया? आपसे मुझे कुछ नहीं पूछना, हमारी पूछताछ जारी है। ओहो, इसकी बात कर रहे हैं? इसकी जमकर पिटाई कीजिए, हाथ पैर तोड़ दीजिए, तभी यह बताएगा कि मेरा भाई कहां है, क्योंकि ये और वो दोनों बचपन के साथी हैं। आज तू जरूर पकड़ा जाएगा। अच्छे अच्छों को धूल चटा दिए, तू किस खेत की मूली है? बोल वो राज कहां है, जल्दी बोल, वरना आज आज तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। हेलो, इसको ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है, जमकर पीटो तभी सच्चाई मुंह से निकलेगी इसके। इसी की वजह से मेरा भाई बिगड़ गया है। एए, तेरा वो बेकसूर भाई तेरे लिए जगह खाली करवाने के लिए लड़ा और बेकार में खून के लफड़े में फंस गया। अपने उस सगे निर्दोष भाई के साथ गलत कर रहे हो तुम। ए, तुम लोग कभी अच्छी मौत नहीं मरोगे, साले तुम लोग इंसान नहीं जानवर हो। ए, ए, बस करो। ए, मारो रे और मारो, मार मार के खत्म कर दो। ए, मेरा दोस्त जरूर आएगा, वो आएगा और तुम लोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। मारो रे, मारो, 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 और मारो, मारो। तुम राजा हो? हाँ यार मैं ही हूँ। राज, पुलिस वालों ने बहुत मारा क्या? मारने दे यार, तेरे लिए तेरा ये दोस्त अपनी जान भी दे सकता है। वो छोड़, तू अपने भाई के गेटअप में क्यों है? किसी ने भैया का खून कर दिया यार। ये क्या कह रहा है तू? जेल से फरार होकर मैं भैया से मिलने के लिए फार्म हाउस पहुंचा तो वहां पर मुझे भैया की लाश मिली। तेरा भाई कितना बड़ा आदमी था, जब उन्हें ही मार दिया तो यार। बड़ा हो छोटा हो क्या फर्क पड़ता है, जान तो सबके लिए एक बराबर होती है। भैया के दुश्मन कौन कौन है इस बात का पता नहीं चला, लेकिन मां को भैया की मौत का पता नहीं है। पता चला तो वो भी वहीं दम तोड़ देगी। भैया को किसने मारा यही जानने के लिए मैंने अपना ये भेष बदला है। सुन यार, ये बात किसी को बताना मत। अगर मुझे कहना भी पड़ेगा तो कह नहीं पाऊंगा यार। मतलब? पुलिस ने इतना मारा कि दोबारा वहां जाने के ख्याल से भी डर लग रहा है। अगर दोबारा ले जाकर उन्होंने मुझसे पूछताछ की और दर्द बर्दाश्त न होने पर मैंने सच बता दिया तो राज किसी एक इंसान तक रहे तो उसे राज कहते हैं, किसी दूसरे को पता चले तो उसे राज नहीं कहते। इसलिए। इसलिए क्या? मुझे माफ कर दे यार, इस दारू की बोतल में मैं जहर मिलाकर पी गया यार। ए, ए कुमार, ए, ये तूने क्या किया यार?
मैं तुझे मरने नहीं दूंगा यार। ए, ए कुमार, ए, अब वो पैर लाओ। स्केटिंग ट्रेनिंग। मेरे लिए तुम क्या कुछ नहीं कर रहे हो नंदू, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। बेवकूफ, तुझे अपना बनाने के लिए तो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ मेरी जॉन। क्या सोच रहे हो नंदू? जब तू स्केटिंग कर रही होगी ना और अचानक बैलेंस मिस हो जाएगा तब मुझे ही देख कर आना और मुझसे टकराना। मुझे चोट लगेगी चलेगा, मेरे कपड़े गंदे होंगे चलेगा, लेकिन तुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ओके ओके, आजा, संभल कर। अच्छा देखो, मैं वहाँ खड़ा रहूंगा और उस टावर से फ्लाइट आकर टकराई थी ना, वैसे मुझसे टकराना, ठीक है? ओके। मुझे टक्कर मारेगी। कमान, आजा, टक्कर मार। सही वक्त पर आकर आपने फिर से मेरी जान बचाई। आप मेरी नजर। अरे मेरी जान, उठो। सर, आप में शर्म आया कुछ है या नहीं? क्या लफड़ा है? जब भी देखता हूँ उधर आकर लेट जाते हैं, अब भी उठने का मन नहीं कर रहा है क्या? चलो मेरे जाते। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रसाद, क्या बात है, आज सुबह सुबह इंक्वायरी करने आ गए? इंक्वायरी करने नहीं आया, फंक्शन पर बुलाने आया हूँ। आज मेरी बेटी का 5th बर्थडे है, बहुत जिद कर रही थी, पत्नी भी फोर्स करने लगी, इसलिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। आपका आना बहुत जरूरी है। हेलो, सॉरी, कैच यू लेटर। गली गली नाचना, सड़क पर खाना, कंट्री दारू पीना, रास्ते में पड़ी हुई सिगरेट मारना, इन सब चीजों को भूल गया क्या तू? ए, कौन है रे तू? अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। ब्रदर, राज किसी एक तक रहे तो उसे राज कहते हैं। टेंशन मत लो, कोट पहनने से बहुत पसीना आएगा, औकात पर आ जाओ, तेरे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी। ओके सर, जल्दी से जल्दी मिलते हैं सर। क्या हुआ, तेरा टाइम बदल गया, बुढ़ा आ गया क्या? मेरी बात पर गौर करना। मुझे क्यों बुलाया बेटा? कुछ नहीं अंकल, आप चैम्बर में रहिए, मैं आपको बाद में बुलाता हूँ। ओके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुचिता, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो मिस्टर प्रसाद। हेलो, वेलकम, दिस इज माय वाइफ संगीता। नमस्ते। एंड दिस इज द स्वीट लिटिल बर्थडे गर्ल, माय डॉटर सुचिता। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ओह नो, स्टॉप, ये आप क्या कर रहे हैं? हम दोनों के बीच केस की डीलिंग चल रही है। मैं इसे टेबल के नीचे से तो नहीं दे रहा हूँ, इतना डर क्यों रहे हैं आप? तुम प्यार से भी दोगे तो लोग कुछ और ही समझेंगे, इसकी क्या जरूरत थी? वो बातें छोड़िए, वीडियो और फोटो का आपने अरेंजमेंट किया है? ये सब मेरी पत्नी ने किया है, औरतें ऐसी होती ही हैं, और ऊपर से ये मेरा पहला फंक्शन। ओके, वीडियो और फोटो तो आप अपनी खुशी से बनवा रहे हैं, लेकिन आपका जो असिस्टेंट खड़ा है ना, वो आपको बिना बताए आपका वीडियो निकाल रहा है। व्हाट आर यू सेइंग? प्लीज कम। क्या है ये? सॉरी सर, सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर था सर। जो खुद पे भी भरोसा ना करे वही है पुलिस। नमस्ते जी। नमस्ते। हेलो। क्या मिस्टर प्रसाद, आप बहुत खुश लग रहे हैं। हेलो, नहीं लगूंगा क्या? ये हमारे घर का पहला फंक्शन है। फिर छोड़िए, मैं आपकी खुशी बिगाड़ना नहीं चाहता। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, आप मेहमानों को देखिए। नो, आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, बताइए। कुछ नहीं, बस एक बात पता चली है जिससे आपकी गलतफहमी दूर हो सकती है। कैसी बात? मुझे मेरी ड्यूटी प्यारी है, बोलिए। कुछ नहीं जी, वो कुमार है ना, मेरे भाई का फ्रेंड, उस दिन थाने में जिसे आप टॉर्चर कर रहे थे, बेचारा पता चला है मर गया। व्हाट? और उसकी अंतिम यात्रा में सबके साथ में मेरा भाई भी शामिल है, ऐसा मैसेज आया है मुझे। क्या ये बात सच है क्या? जनाब, मुझे आपसे झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं होने वाला।
कहाँ हो ये पूछ पूछ कर उन पुलिस वालों ने हमारे कुमार को पीट पीट कर बेरहमी से मार डाला यार। पुलिस वालों को छोड़ना नहीं है, हमारे कुमार को उन्होंने जिस तरह से टोटा करके मारा वैसे उन्हें मारना। देख तेरे बेटे के साथ क्या हुआ, देख तेरे भाई के साथ क्या हुआ, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे इस तरह मार डाला उन्होंने। Hey, वो जाने न पाए, घेर लो उसे। अरे भगवान ये क्या हो गया। बचकर भाग गया। hey, इधर आओ। हाथ है मुजरिम को पकड़ नहीं पाए, लानत है। तुम लोग पुलिस कहलाने के लायक नहीं। सॉरी सर। जाओ जाओ यहां से। ये भाग कर गया कहां? कहिए मिस्टर प्रसाद, कहाँ हैं आप? ये बात पूछने का मतलब, मैं तो आपके ही घर पर हूँ ना। सच बताइए, कहाँ हैं आप? आपके घर में, आपके फंक्शन में हूँ। आपने बहुत सारे पॉलिटिशियन को बुलाया है, सब जय जयकार कर रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, अच्छा आपको मेरा भाई मिला क्या? उसे अरेस्ट किया? वो पकड़ा गया ना? हेलो हेलो, हॉल का एसी ज्यादा ही तेज है। अच्छा छोड़िए, मेरा भाई पकड़ा गया ना, कहीं वो ऑफिस में आकर उल्टी सीधी बातें तो नहीं करेगा ना? जल्दी गुड न्यूज दीजिए सर। नहीं, वो बच निकला। हलवा खाएंगे आप? आप ही का हलवा है। अपनी आंखों पर भरोसा ना करे वो पुलिस होता है, आप ही नहीं ये डायलॉग मारा था। नमस्ते सर। आप आए हमें बहुत खुशी हुई सर। अगर आप हमें इतना बड़ा अमाउंट दान ना करते तो इतनी जल्दी इतना बड़ा स्कूल हम कभी नहीं बनवा पाते सर। आप तो 600 अंधे बच्चों की जिंदगी में रोशनी बनकर आए हैं सर। स्कूल में आपने फोटो नहीं लगवाने दिया, दीवार पर नाम भी नहीं लिखवाया, कम से कम स्कूल का उद्घाटन करें ऐसे हमारी इच्छा है। उद्घाटन के लिए कोई भी मेहमान नहीं आ रहे हैं सर, और कोई भी सेलिब्रिटी भी नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि आप जरूर आए सर। ये जरूर आएंगे, मान जाइए सर। हाँ अंकल, आपको हमारे स्कूल के उद्घाटन पर आना ही होगा। आप अच्छे अंकल हैं ना, प्लीज आइए अंकल। अब हमारे भगवान हैं ऐसा हमारी सिस्टर कह रही थी, क्या मैं आपको एक बार छूकर देख सकती हूँ क्या अंकल? हाँ बेटा, मेरा भाई सच में भगवान। ये सब नाटक है, अपने सगे छोटे भाई को जेल में भिजवा कर यहाँ दानवीर बनने का नाटक कर रहे हो। जेल में अपने भाई का क्या हाल हो रहा होगा ये तुमने जरा भी नहीं सोचा? खुद को भगवान बनाकर इन सबको धोखा दे रहे हो। क्या कह रही हो बेटी? अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो इन बच्चों की हाय लगेगी तुम्हें। इसे इतनी समझ नहीं है, गुस्से में आकर ऐसा बोल दिया। आप दिल छोटा मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो गुनेगार ही क्यों ना हो, लेकिन राजा आपका ही छोटा भाई है। अगर आप चाहेंगे तो वो बच सकता है। मैं आपके पैरों पर गिरकर भीख मांगती हूँ। मैं अपने सगे बेटे को बचा तो नहीं पाई, कम से कम मेरे इस बेटे को तो बचा लीजिए। पैर छोड़िए, जाकर पुलिस से कहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। ए! कमान सोनिया, तेरे इन पापों का हिसाब ऊपर बैठकर वो लिख रहा है। तुम हमसे धोखा कर सकते हो लेकिन उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। तुम ऊपर वाले के हाथों से नहीं बच सकते। मैं
अपने सगे बेटे को बचा तो नहीं पाई, कम से कम मेरे इस बेटे को तो बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। लेकर आओ साले को, लेकर आओ इसको, चल, लेकर आओ इसे, चल, छोड़, चल, चल, चल। ए, कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अरे पुलिस से लेकर पॉलिटिशियन तक फोड़ने के लिए, मारने के लिए, किडनैप करने के लिए पहले मुझे ही फोन करते हैं। मुझ जैसे शेर आदमी को गली के कुत्ते की तरह पब्लिक में मारकर मेरी पूरी इमेज को खराब कर दिया तेरे भाई ने। उसे जेल में टपकाने के लिए प्लान बनाकर मैंने ही बुलवाया था, लेकिन साला वो पहले ही फरार हो गया। अब वो मुझे चाहिए, अब उसे मेरे पास बुलाने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है तू। देखिए मैं नहीं जानता वो कहाँ है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। नहीं जानता? हाँ, बता वो कहाँ है। मत मारिए, छोड़ दीजिए मुझे, मैं सच कहता हूँ मैं नहीं जानता वो कहाँ है। आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन प्लीज छोड़ दीजिए। मांगता है तो पैसे तू मुझसे ले ले, मुझे सिर्फ तेरा भाई कहाँ है बता। मेरा कोई दुश्मन जिंदा है ये जानकर मार्केट में मेरा रुबाब कम हो जाएगा, उसे खत्म करने से ही अपन को चैन मिलेगा। ये तुम लोग देख क्या रहो, मारो इसे। फिलहाल मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, क्यों पता है? तेरा ये खून तेरा वो भाई देखेगा, क्योंकि तू फिर जाकर उसे बताएगा कि छोटा भाई ने तुझे मारा, समझा? छोटा भाई। हेलो, 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 उठाओ से। यस सर। आप कैसी तबीयत है? I'm perfectly all right, sir. प्लीज इसके बारे में मेरी माँ को मत बताइएगा, उसे पता चला तो वो सह नहीं पाएगी, और प्लीज ये बात ऑफिस में भी पता ना चले। इट्स okay, किसी को पता ना चले, इस बात का ख्याल रखूंगा। थैंक यू सर, अगर आप सही वक्त पे नहीं पहुंचते तो शायद मेरी जान ही चली जाती। आपको किडनैप क्यों किया? कौन थे वो लोग? पता नहीं, कोई 10-15 गुंडे थे, बार बार पूछ रहे थे कि तेरा भाई कहाँ है। उन्होंने मुझे बहुत मारा सर, कितना समझाया कि मैं उसे नहीं जानता, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी सर। उसकी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। जल्दी से उसे किसी तरह पकड़िए सर, नहीं तो दोबारा अगर उन गुंडों ने मुझ पर अटैक किया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा सर। हेलो डॉक्टर, अब इनकी तबीयत कैसी है? खून बहुत बह चुका है, हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई है, फिलहाल इन्हें कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। आप चाहें तो एक बार ये स्कैनिंग रिपोर्ट देख सकते हैं। इट्स ओके, यू टेक केयर मैन। मैं आकर मिलता रहूंगा। ओके सर। कम सर। सर सर, बेचारे को कैसे मारा देखा, ये बड़ा भाई है इसलिए अपनी हड्डियां तोड़वा कर बैठा है। अगर छोटा होता तो उनकी हड्डियां तोड़ देता। इस केस को यहीं क्लोज कर देते और दूसरा केस देखते हैं सर। मेरी नजर में ये बड़ा भाई, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी नजर में ये केस और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नंदू,
यहाँ पर लेकर क्यों आए? तेरे चेहरे पर उदासी देखकर मुझे रोना आ रहा। अगर मैं रोना शुरू कर दूंगा तो मेरे आंसू से स्विमिंग पूल भर जाएगा। देखो, टेनिस खेलने के लिए स्विमिंग बिल्कुल फिट होनी चाहिए, मेरा मतलब बॉडी बिल्कुल फिट होनी चाहिए, इसलिए स्विमिंग करो। मुझे तैरना नहीं आता ना। अरे मैं हूँ ना, आजा अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अरे ये हुई ना बात, अंदर बाहर, अंदर। ये तो बहुत गंदा टेस्ट है इस पानी का। अरे ये मर्द लोग तो मेरे लिए चुनौती बन गए। क्या कर रहा है तू? कौन है तू? हटो, चलो हटो, ये मेरा चांस है, हटो यहाँ से। आपने अकल है या नहीं? बेचारी लड़की को तैरना नहीं आता और पानी में ढकेल कर आसमान में तारे गिन रहे थे, कैसे मर्द हैं आप? सरसों, मेरी सरसों, मेरी जान बचाने वाले देवता हैं आप। भाई, उसके बड़े भाई की हमने हड्डी पछली तोड़ दी, फिर भी उसका भाई अभी तक नहीं आया, कहीं वो डर तो नहीं गया? अगर वो डरपोक होता तो मुझ पर हाथ उठाता क्या? वो आएगा, जहां भी होगा जरूर आएगा। हाँ? इसी को तो मारा था, ये फिर आ गया। मार डालो साले को, बचना नहीं चाहिए। कौन है तू? कौन है तू? इतना हैरान क्यों हो रहा है? ये भी मैं ही हूँ और ये भी मैं ही हूँ, समझ में आया क्या? ये एकदम हाई क्लास है और ये एकदम लो क्लास। कीली कर दूंगा तेरी। Ah!
मैं अब भी सड़क छाप हूँ रे। क्या है नंदू? वो देखो ऊपर कितने जाले जम गए हैं, सब जल्दी साफ करो नहीं तो बॉस तुम्हें साफ कर देंगे। कल ही तो मैंने साफ किया था, एक ही दिन में इतने जाले कैसे आ गए? जालों के बिना मकड़ियों को रहा नहीं जाता, इसलिए डे नाइट शिफ्ट करके जाले बुनते रहते हैं। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। अरे उसे भी जल्दी से साफ कर, उसे। अच्छा इस तरफ से नहीं, इस तरफ से हाँ इस तरफ से साफ करो। हाँ ये वाला, हाँ थोड़ा झुक जाओ। हाँ झुको। अरे अरे तू नीचे कैसे गिर गई, जल्दी उठ जा। तू बहुत लकी है आज तो, देखिए आज पत्थर भी नहीं है, कांच भी नहीं है, थैंक्स बोलने वाला भी कोई नहीं है। हर बार जुड़ने पर मुझे बचाने के लिए वो भगवान आप जैसे लोगों को भेजते रहते हैं। भाग यहाँ से। वो भगवान हमेशा मेरे साथ अन्याय करते ही रहता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अचानक सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दो, ऐसा SMS भेज कर आप कहाँ गए थे सर? अरे बेटा तुमने आ जाने में बहुत देर कर दी। एक हाई क्लास डील करनी थी, अर्जेंट में मुझे जाना पड़ा, इसलिए आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया। सोचा आपको बेकार में क्यों परेशान करूं। ऑफिस में कोई नो प्रॉब्लम सर, लेकिन एक अर्जेंसी थी, माथुर जी को जो थर्ड इंस्टॉलमेंट देनी थी ना वो मैंने पहुंचा दी है। पर अभी तो दिया था ना। कोई बात नहीं, आज के बाद माथुर के साथ कोई डीलिंग नहीं होगी। सोनिया अब सारा काम मैं ही देखूंगा। क्यों नंदू? सर तुम्हें सानिया मिर्जा बहुत पसंद है क्या? सर मुझे कुछ बताए बिना आप कहाँ चले गए थे? ये लीगल बिजनेस हमें देखने की जरूरत नहीं है, थोड़े से पैसे देते रहेंगे तो माथुर जी सब देख लेंगे, बेकार में हम क्यों रिस्क लें? आपको कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सोनिया मैं एक बार जो फैसला कर लेता हूँ उसे किसी कीमत पर नहीं बदलता, मुझे किसी का कोई डर नहीं। वैसे भी इलीगल बिजनेस कर रहा हूं तो डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, तभी असली मुजरिम सामने आएगा। सर उस पेशेंट को होश आ गया, इसीलिए मैंने तुरंत आपको फोन किया। माँ कहाँ लेकर जा रही हो, कुछ बताती क्यों नहीं हो? चुपचाप मेरे साथ चल। हेलो आई एम मोनिका प्रसाद। हेलो। मैंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में अपने MBA की पढ़ाई की है, मैं थोड़ी खुले विचारों वाली लड़की हूँ। अगर आप किसी से लव करते हैं और अपनी माँ की इज्जत के लिए आप मुझे यहाँ देखने के लिए आए हैं तो आप मुझे ओपनली कह सकते हैं, अदरवाइज इफ यू डोंट लाइक मी यू कैन टेल मी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपका ये सीधी बात करना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने किसी से प्यार नहीं किया, कल हमारी शादी होने वाली है, उसके बाद मेरी पसंद आपकी होगी और आपकी पसंद मेरी होनी चाहिए, तभी अच्छा रहेगा। मुझे तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए आपको भी नहीं होने दूंगा। 15 दिन तक साथ में घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे को अच्छी तरह समझेंगे, दिल किया तो शादी करेंगे वरना दोस्त बन के रह जाएंगे। ये सब हमारे धर्म में नहीं चलता बेटा। मेरे पेरेंट्स के पसंद के साथ अगर मुझे तकलीफ हुई तो उन तकलीफों को गले लगाकर हंसते हुए जीवन बिताऊंगी मैं। पहले किसी के साथ घूमना बाद में शादी करना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। माना कि मैं फॉरेन में पली बढ़ी हूँ लेकिन मैं पूरी तरह से इंडियन हूँ। सो आई लव माई कंट्री, आई लव माई कल्चर, सो लेट्स बी फ्रेंड्स। मांगिए, आपके छोटे बेटे को पुलिस वाले गोली से उड़ा दिया, ऐसा भगवान से मांगिए। आपके दोनों बेटों में से एक को तो सर पे बिठा कर रखा है और दूसरे को अपने पैरों के धूल बना कर रखा है और अपने आप को माँ कहती है। आपको अपने बेटे की जरूरत नहीं होगी लेकिन मुझे मेरा राज चाहिए। अगर वो मुझे नहीं मिला ना तो मैं अपने आप को और आपके अमीर बेटे को जान से मारकर जेल चली जाऊंगी। किसके नाम से पूजा करवानी है? राजरानी जी। मेरा बेटा बुजदिल नहीं है, राज तुम्हें जरूर मिलेगा। ये लीजिए सर, अपने ही बेटे के सामने नाटक करके आई हूँ,
आप कह रहे थे कि आप उसे अरेस्ट करेंगे इसी बात के लिए। मैंने आपकी बात मानी। इसमें जो रिकॉर्ड हुआ है उसे आप बार बार सुनिएगा सर। मेरा बेटा देवता है और आपने उसी पर शक किया। वो मेरा बड़ा बेटा राम ही है। उस पर इस तरह दोबारा शक करके इस माँ के दिल को ठेस मत पहुँचाइए सर। सॉरी, आप एक माँ की हैसियत से बात कर रही हैं और मैं एक ऑफिसर की हैसियत से पेश आ रहा हूँ। आई एम सॉरी। मैडम, मैडम मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रहा था। बॉस आपको बुला रहे हैं। सर आपने बुलाया? यस सोनिया, कल पूरे स्टाफ के साथ मीटिंग अरेंज करो। किस बात की मीटिंग सर? अपनी कंपनी के तौर तरीके बदलना चाहता हूँ, उसी की बात करनी है। ओके सर, कर दूंगी। सुना है कि कल आप कोई लड़की देखने गए थे। मुझे इसके बारे में बताया नहीं गया था। इसके बारे में भी किसी को नहीं बताया गया है। कोई मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? अब समझने के लिए रखा ही क्या है। जो तुम्हें करना था वो तुम बहुत पहले ही कर चुके हो। लगता है तुम भी मुझे समझ नहीं पा रही हो। आप ऐसा क्यों समझते हैं सर? आप रोज घर जाकर अपनी माँ के साथ सिर्फ एक घंटा बिताते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त और डिनर के वक्त। लेकिन मेरे साथ आप पूरे 12 घंटे बिताते हैं। आपको सुबह से लेकर शाम तक जो भी चाहिए होता है वो आपके पूछने से पहले ही मैं अरेंज कर देती हूँ। आप बाहर जाते हैं तो किस होटल में रहेंगे, कौन सी कार में जाएंगे, क्या खाना पसंद करेंगे, सब आपके टेस्ट के मुताबिक अरेंज करके देती हूँ। आपको किसी मीटिंग में जाना होता है तो आप पर कौन सा कलर सूट करेगा ये बात भी मैं ही आपकी माँ को बताती हूँ। अगर सच कहूँ तो मेरी जगह कोई और आपकी पत्नी बनकर आई होती तो वो भी इतने अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती। आपको मैं इस हद तक समझ पाई हूँ तभी तो 2 साल से आपसे प्यार करते हुए भी चाहकर भी मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ। अपनी उम्र के हिसाब से तुम बहुत समझदार हो, इसलिए मंगलसूत्र बांध के पत्नी का दर्जा दे रहा हूँ। लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी पत्नी हो। वक्त आने पर मैं खुद सबको बता दूंगा, तब तक तुम्हें वक्त आने दो। मैं खुद सबको ये बात बता दूंगा, तब तक तुम सोनिया, ये ऑफिस है, मैं MD हूं, तुम सेक्रेटरी। बच गए, अगर ये 1 मिनट पहले आ जाता तो। आज मैं इतनी बड़ी स्टार बनी हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं जिंदगी में तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। मेरी मेहनत के फल को मैं तुम्हारे चरणों में रखती हूँ। Go back, come. आनिया सरसाजी, आनिया सरसाजी, आनिया सरसाजी। हाय सरसू। नंदू, इतने दिनों से मैं तुम्हें बता नहीं पाई, ये मेरे हस्बैंड है नंदू। वाह बहुत खूब, तेरे अंदर जो कला है वो तुझे नजर नहीं आ रही है। ए, क्या कह रहे हो? हा? अरे मैं तुझे बहुत बड़ी फुटबॉल प्लेयर बनाऊंगा। तेरा राइट लेग पेले जैसा है और लेफ्ट लेग मैराडोना जैसा। मैं तुझे लेडी मैराडोना बना दूंगा। सर आपके कहे मुताबिक मैंने शाम को मीटिंग अरेंज की है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम अपने काम में पंचुअल हो। सॉरी सोनिया, कल मैंने तुम्हारे साथ रूडली बात की। कोई बात नहीं सर, आप MD हैं और मैं सेक्रेटरी। सोनिया, 1 मिनट। ये राम है या राज है इसकी इंक्वायरी चल रही है और इस सिलसिले में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। बताइए ये राम है या राज? अगर ईमानदारी से सच बताएंगी तो आपके लिए अच्छा होगा, और अगर सच्चाई छुपाने की कोशिश की तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। Come on, tell me, is he राम और राज? आपका शक 100% करेक्ट है, ये मिस्टर राम नहीं राज है। राम लेफ्ट हैंडेड है और ये राइट हैंडेड है। राम जिससे भी बात करते हैं उनकी आंखों में देखकर बात करते हैं, लेकिन ये
यहाँ वहाँ देख कर बात करते हैं। Come on, girl, tell me. राम दान धर्म करने में हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन ये हमेशा छीनने के बारे में ही सोचते रहते हैं। और क्या जानती हो बताओ? राम कोई भी काम कल के लिए पेंडिंग नहीं रखा करते थे, लेकिन ये तो हर काम कल पर ही टाल दिया करते हैं। राम कॉफी वगैरह धीरे धीरे पिया करते थे, लेकिन ये शराब की तरह पीते हैं। ये राम नहीं, राज है। पकड़े गए, आई टोल्ड यू। मैं सब कुछ कहूंगी अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो। यू आर हाईली मिस्टेकन, ही इज राम। सोनिया, राम का कैरेक्टर, उनकी लाइफस्टाइल कॉपी करना किसी के भी बस की बात नहीं। यही राम है बताने के लिए, मुझसे बड़ा गवाह कोई भी नहीं हो सकता। सोनिया, ये तुम क्या कर रही हो? अगर यहाँ इनका कोई भाई होता तो वो मुझे कब का मिसयूज कर चुका होता। ये हमारे बॉस राम ही है, नो डाउट अबाउट इट। मैं इतना सीरियसली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे MD पर कोई शक करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरी नजर में भगवान है। गॉड, भगवान है। हेलो ब्रदर, तुझे कितनी बार कहा है कोर्ट तुझे सूट नहीं करता, अपने औकात पर आ जा, लेकिन तू मेरी बात सुनता ही नहीं ना। ए बेटा, मैं तेरे ही फोन का इंतजार कर रहा था। ये तेरे लिए लास्ट वार्निंग है, मैं तुझे 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। सीधी तरह अपनी औकात में आकर लकड़ी की झोपड़ी में शिफ्ट हो जा, वरना मैं तुझे लकड़ियों की चिता में जला दूंगा। चिता में जलने वाली लकड़ियाँ और दुश्मन के अंदर की नफरत हमेशा आग उगलती रहती है। मेरे भाई के खून से जुड़ा हुआ एक शख्स अब मेरी तरफ है। ए, तेरा थप्पड़ तेरे ही गाल पे पड़ा, कैसा लगा? अगर तू असली मर्द की औलाद है तो इस शहर में 24 घंटे रुक कर देखा। इतने दिन तक तू फोन काटता था, आज मैं काटूंगा। ए, ए, ए। इतना परेशान क्यों होता है? कल ही होगा फेस टू फेस, अच्छा सा मुहूर्त देखकर पुराने गोदाम में पहुंच जाना। सर, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? यहाँ मैं तुम्हारा MD नहीं, राम हूँ, तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने वाला राम। मेरे होते हुए ये वाइन क्यों? मुझे इसके लिए माफ कर देना भैया। क्या नाटक हो रहा है यहाँ? तुझे ट्रेन करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, मुझसे 50-50 के सौदे की बात करके इसे पटाकर अकेली सारा माल हड़पना चाहती है। सोनिया, तुम भी? ए, इसे कुछ पता नहीं है क्या? पता तो नहीं था, तुम्हारे आने के बाद पता चल गया। कोई बात नहीं, कम से कम अब हकीकत क्या है इसे जान लेने दो। कोट पहनने से पसीना छूटता है, अपनी औकात पर आने के लिए कितनी बार कहा मैंने, रिकॉर्ड करके तुझे फोन पर सुनाता रहा, तू सुना? ये ले, जिसने तुझे ठुकराया उसे तू अपने हाथों से ठोक दे। ऐसे क्या देख रहा है? तुम्हारे भाई को मैंने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा, यहाँ तक कि मैंने उसे अपना पति बनाना भी चाहा,
लेकिन उस दिन जो मैंने तुम्हें फ्लैशबैक बताया था उसमें मुझे कुछ और ही मिला। क्या कहा? 8 घंटे मेरे साथ बिताती हो तो सपने देखने लगी, मुझसे शादी करके मेरी जायदाद हड़पना चाहती हो, है ना? उसके लिए मेरे दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार था, उसकी जायदाद से मुझे कोई लगाव नहीं था। लेकिन जिस दिन मुझ पर हाथ उठाकर उसने मेरी बेइज्जती की, उस दिन से मेरा प्यार उसके लिए मिट गया और उसकी जायदाद को हड़पने का काम शुरू हो गया। इसलिए उसका खून करने के बाद उसकी धन दौलत और जायदाद अपने नाम करने का प्लान बनाया था मैंने, लेकिन बीच में तुम टपक गए। तुम राम हो या राज हो इस बात पर कंफ्यूजन शुरू हो गया, इसलिए मैंने तुम्हें मैं राम की पत्नी हूँ कह के झूठ बोला। और मूड नहीं है बोलकर जब तुम बहाने बनाने लगे तभी मैं समझ गई थी कि तुम राम नहीं राज हो, और अब तुम फिर से राज नहीं बन सकते। इसलिए चुपचाप तुम मेरी बात मान लो और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो, इसी में हम दोनों की भलाई है। देखो ऊपर से लेकर नीचे तक ठीक से देखो, मैं पसंद नहीं हूँ क्या? हाँ नहीं पसंद हूँ क्या? भौंकने को बोला तो भौंकना शुरू कर दिया कमीनी ने। क्या हुआ? कॉफी पकड़ने वाले हाथ में गन देकर बड़ी हैरानी हो रही है। इन सब का जिम्मेदार तेरा भाई है, बिजनेस का दीवाना था, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए उसने माथुर का सहारा लिया, उसके तेरे सामने खड़ा किया। माथुर को पेमेंट देना है बोलकर लाखों करोड़ों रुपए हमने हड़प लिए, फिर तेरे भाई को लुढ़का डाला, फिर तूने अपने भाई के भेस में एंट्री मारी, किसी को तुम पर जरा भी शक न हो ऐसी लाजवाब एक्टिंग की। तेरी इस लाजवाब एक्टिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड भी कम है। तेरा खेल खत्म करना चाह CBI ऑफिसर से पकड़वाने की कोशिश की, मगर तू खिलाड़ियों का खिलाड़ी निकला, सबकी आंखों में धूल झोंक दी तूने। और तो और माथुर का पत्ता काट कर हमें मिलने वाले पैसों पर रोक लगा दी, फिर मैंने सोचा कि अब तुझे लुड़काना ही पड़ेगा और तू खुद हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। इसने मुझसे बोला पैसे चाहिए, तुझसे कहा कि तू चाहिए, इसलिए इसको लुड़का दिया। राज सिर्फ किसी एक तक रहना चाहिए। डाउन डाउन डाउन। अगर उस दिन मैं 5 मिनट पहले आ गया होता तो उसी जगह पर मैं तुम सब लोगों की लाशें बिछा देता, लेकिन तुम लोग बाल बाल बच गए। तुम लोगों से बदला लेने के लिए ही मैंने अपने भाई की जगह ले ली। सब लोग नॉर्मल पेश आ रहे थे, लेकिन तुम और सोनिया लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं ही राम हूं ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करने लगे। तभी मुझे शक हो गया था। जब सोनिया ने मेरे भाई की बीवी होने का नाटक किया तो उसे लगा कि मैं उसकी बातों में आ गया हूं। शायद उसे ये पता नहीं था स्टेटस के लिए जो अपने सगे भाई को अपने से दूर रख सकता है वो उससे क्या शादी करेगा। माथुर को जब मैंने ऑफिस में बुलाने की बात की तो सोनिया के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी, और जब मैं तुरंत उसके पीछे पीछे बाहर गया तो वो किसी को इशारा करते हुए नजर आई। मैंने देखना चाहा कि वो कौन है तो वहां से 2 लोग अलग दिशाओं में चले गए, उनमें से एक रामकिशन था और दूसरा कौन है ये पता नहीं चला। सोनिया के अलावा मेरे भाई के खून के पीछे किसी और का भी हाथ है, इसका मुझे उसी दिन पक्का यकीन हो गया। अगर CBI इंस्पेक्टर प्रसाद की एंट्री नहीं होती तो तुम्हारी कहानी पर उसी दिन फुल स्टॉप लग गया होता। मुजरिम चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसे पता चलता है कि कोई उसका पर्दाफाश करने वाला है तो उसे मारने की कोशिश जरूर करता है, और यही टेक्निक मैंने तुम लोगों पर आजमाई।
मैं ही राज हूँ इस बात का राज तुम्हें पहले से पता था। तुम मेरे भाई के खूनी हो, ये राज मुझे आज पता चला। ये दोनों राज किसी एक इंसान तक ही सीमित रहेंगे, तभी राज रहेंगे। आपके स्टाफ के दो लोग मारे गए, आपको किसी पर शक है क्या? वैसे ये खबर सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मिस्टर प्रसाद, आप इस तरह बार बार आकर परेशान करते हैं ना, इस बात से मुझे बहुत दुख होता है। एक काम करते हैं, मैं और मेरा पूरा स्टाफ 5 दिन की छुट्टी लेकर आपके पास आकर बैठ जाते हैं, फिर आपको जो पूछताछ करनी है कीजिए, बट किसी एक नतीजे पर आइए। ओके ओके, मैं इसी के बारे में ही बात करने आया था। कल से मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। बस आपसे एक आखिरी सवाल है, इंसानियत के नाते पूछ रहा हूं मैं, आप बड़े हैं या छोटे? मिस्टर प्रसाद, मेरे पास एक ही जवाब है, मैं बड़ा भाई हूं, बड़ा भाई हूं, बड़ा हूं। ओके, सी यू। व्हाट इज दिस मिस्टर प्रसाद, क्या आपके अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है? कल से नहीं आएंगे बोल करके 2 मिनट के अंदर फिर से हाजिर हो गए, व्हाट इज दिस? अब भी यही कहूंगा, कल से हमें से कोई भी यहां नहीं आएगा। डीएसपी, R1 इंस्पेक्टर, क्राइम ब्रांच, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, जेंटलमैन यू कैन प्रोसीड। आप राम हैं या राज? राम। राम कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक आप ही हैं क्या? हाँ। आप ही राजेश्वरी और कृष्णा राव जी के बेटे राम हैं? यस। जुड़वा भाइयों में आप छोटे हैं या बड़े? बड़ा हूँ। एक CBI ऑफिसर की हैसियत से पूछ रहा हूँ, आप बड़े भाई हैं या छोटे? मैं बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ। आप सब कुछ बोलना चाहेंगे? यस सर, यही राम है। मिस्टर राम, You are under arrest. मजाक कर रहे हैं? हाँ? मैं ही राम हूँ, मैं ही बड़ा भाई हूँ, कितनी बार बताया है, और मुझे अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं? आप राम ही है ना? यस, मैं ही राम हूँ। आप राम है तभी तो आपको अरेस्ट कर रहा हूँ, अरेस्ट कर रहा हूँ, अरेस्ट कर रहा हूँ। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए इन 6 लोगों का आपने खून किया, इस जुर्म के लिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली इन 6 लोगों से आपकी जान को खतरा था, ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसलिए आपकी जान बचाने के लिए हम आपको फॉलो करते रहे। इस बीच इन लोगों की एक एक करके मौत होने लगी, केस का पूरा तख्ता ही पलट गया। इन 6 लोगों का खून आप ही ने किया है। बिजनेस में कोई अपने दिमाग से आगे नहीं बढ़ता, सामने वाले को मारकर उसकी लाश पर चलकर आगे बढ़ता है। बिजनेस में हमेशा नंबर 1 रहना चाहता हूं, कोई भी मेरे रास्ते में आए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिरी बार आपने इसे मारने की कोशिश की, इसी के स्टेटमेंट से हमें सारी बातें पता चली। इसने स्टेटमेंट में बताया कि आपने इसकी जान लेने की कोशिश की, इसलिए आपसे परेशान हुए आपके किसी आदमी से, वो तुम्हें मरवाने वाला है और अब तक तुम मर चुके हो, ऐसा बोलकर उसने दम तोड़ दिया। सर, वो सारे बिजनेसमैनों को मारकर उन्हें अपने रास्ते से हटाकर नंबर 1 बना है। उसने मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसी के हथियार से उसे मारने का प्लान बनाया। सर, मेरे प्लान के मुताबिक अब तक वो मर चुका होगा। सर, ये तुम क्या कह रहे हो? सब कुछ साफ साफ बताओ, तुमने किसे कहां भेजा उसे मारने? हेलो, और इससे पहले जिसकी वजह से आपके भाई को जेल जाना पड़ा था, उस इंस्पेक्टर राम नारायण का खून भी आप ही ने किया, क्योंकि उस इंस्पेक्टर ने आपको लॉकअप में आपके कपड़े उतार कर बहुत मारा पीटा था। मुझे लगा कि ये सारी बातें आपका भाई जानता है, इसलिए जेल से भाग कर कहीं वो आपका खून न कर दे और आपकी जगह पर आकर खुद ना बैठ जाए। बस इसी शक की वजह से इतने दिनों तक मैं आपसे पूछताछ करता रहा। दरअसल आपका भाई निरपराध है, बेगुनाह है।
आपको मैंने भगवान से बढ़कर समझा था, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप खूनी निकलेंगे। हर तरह की इंक्वायरी करने के बाद आप ही राम है ये साबित हो चुका है। सो इन तमाम खून के जुर्म में मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ। मिस्टर प्रसाद, अरेस्ट हिम। यस सर। आजकल बिजनेस में अव्वल दर्जा हासिल करने के लिए चर्चा में होने वाले सभी उद्योगपतियों की हत्या करना एक नया दस्तूर बन चुका है। ऐसे लोगों को एक सबक के तौर पर उन्हें सावधान करने के लिए, और क्योंकि राम ही खूनी है ये बात साबित हो चुकी है, इसीलिए ये अदालत अपराधी राम को उम्र कैद की सजा सुनाती है। मैंने इंसानियत के नाते पूछा, तब तो बताना चाहिए था कि मैं राज हूँ। अब इंसानियत की बात करने से क्या फायदा, उसी दिन बता देना चाहिए था ना कि मेरा भाई खूनी है। मैं मर भी गई तो उसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। याद है तू राम बनकर जिस दिन खीर खा रहा था, उस दिन मैंने तेरी आंखों में आंसू देखे। उसी दिन मैं समझ गई थी बेटा कि तू राज है। इस देश में किसी की मौत हुई हो या कुछ भी हो, आप हमें इन्फॉर्म नहीं करेंगे। शादी होकर 10 साल हो गए हैं, बेशर्म होकर बता रही हूँ, यही हमारा फर्स्ट हनीमून है। ओ हो हो हो, मिसेस प्रसाद, ये आप क्या कह रही हैं? जो सच है वही कह रही हूँ। ये नीचे फ्लाइट की टिकट, आप देर मत कीजिए, चलिए। चलो बेटा चलो, देर हो रही है। वो दरअसल सुनिए जी, फ्लाइट मिस हो जाएगी, चलिए ना, अब चलिए भी। नमस्ते साहब जी, नमस्ते। क्या साहब, मेरे भाई ने खून किया और आपने मुझे अंदर कर दिया? मैंने आपसे कितना कहा कि वो खून मैंने नहीं किया, मुझे गुंडा कह लीजिए, लेकिन अपने बाप की कसम वो खून मैंने बिल्कुल नहीं किया। इसलिए जेल से फरार होकर कश्मीर में जाके सेटल हो गया। ये देखिए मेरे गाल बिल्कुल एप्पल एप्पल हो गए ना। मानता हूँ जेल तोड़ के भागना गलत था, लेकिन मैं सरेंडर होने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। अपनी सजा भुगतने के बाद बाहर आकर के, ए बुलबुल कम हियर यार। नमस्ते सर। अपनी इस बुलबुल रानी के साथ सेटल होने का प्लान बना रहा हूँ। ठीक है ना?